हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ सैलरी रिवीजन। हम लोग इनकम अंडर डेट सैलरी कर रहे थे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करते हैं। फिर हमने सेक्शन 16 डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की डिडक्शन के बारे में देखा था। बट अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही अलाउ कीजिएगा। बाकी दो डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पर यूजर्स के बारे में बातें की थी और वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है रेंट फ्री अकोमोडेशन में। अब अगर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होता है तो हम 5%, 7.5% या 10% ऑफ सैलरी लेते हैं। वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर। 15 लाख है तो 5% 15 से 40 लाख के बीच में है तो हम लेते हैं 7.5%, और 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ योर रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी। सैलरी में क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, प्लस बोनस, कमीशन किसी भी तरह की, या प्लस कैश कंपोनेंट्स। सिर्फ हम वहाँ पर परक्यूजिट्स नहीं लेते हैं, करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी जो मैंने आपको इंडेक्सेशन के बारे में बताया था, रेंट फ्री अकोमोडेशन में जो चेंजेस आए हैं प्लीज़ उसको अच्छे से कीजिएगा। इसके ऊपर एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने 2024 एग्जामिनेशंस में, राइट। फिर हमने बाकी के दूसरे परक्यूजिट्स किए थे, जैसे मोटर कार परक्यूजिट्स हुआ, इंटरेस्ट ऑन कंसेशनल लोन हुआ, राइट। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट परक्यूजिट्स थे जो हमने सारे डिस्कस किए थे। अब मुझे इस लेक्चर में जो लास्ट पार्ट है आज सैलरी का, उसके बाद हम लोग हाउस प्रॉपर्टी शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। इस वाले पार्ट में मुझे आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में बताना है कि आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करते हैं। जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमें मिलते हैं लाइक ग्रेच्युटी, अगर आप देखेंगे तो जिस तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेच्युटी मिलता है तो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कैसे करेंगे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो किस तरीके से कवर्ड होता है ग्रेच्युटी एक्ट में या नॉट कवर्ड है ग्रेच्युटी एक्ट में, ये बातें आप जानते हैं, हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, करेक्ट। तो ग्रेच्युटी की कंप्यूटेशन कैसे करनी चाहिए, पेंशन इज अनदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो हमें पेंशन के बारे में पता होना चाहिए। आज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लीव सैलरी का ट्रीटमेंट, वीआरएस या रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रोविडेंट फंड, इसमें स्पेशली रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट हमें आना चाहिए। फिर एक अग्निवीर कॉर्पस फंड के बारे में मैं भी बातें करूंगा मैं। और फिर हमारा लास्ट पोर्शन बचेगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89, वो हमें डिस्कस करना है। और फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ये तो हम साथ साथ में ही कर रहे हैं अपना, ठीक है। आप लोग जानते हैं ना कि मैं हर एक उसके आगे प्रक्यूजिट्स के लिए या अलाउंसेस के लिए मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करेंगे तो आपका क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करेंगे तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना रिटायरमेंट बेनिफिट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपनी बुक में देखें, दिस इज ऑन पेज नंबर 3.23, ये बुक आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। rajatmogha.com वेबसाइट है, ठीक है, rajatmogha.com वेबसाइट है, यहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा, यहाँ से आपको बुक मिल जाएगी। और अगर आप ये रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड, अगर वो आपके पास बुक सॉफ्ट कॉपी में तो होगी ही होगी, प्लस इनकेस अगर आप अगर पॉसिबल है तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। इट विल हार्डली कॉस्ट यू अराउंड 150 या 200 रुपीज़ के आसपास लगेगा आपका, और इसका अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आप इससे जल्दी जल्दी अपनी चीजें रिवाइज कर पाएंगे। ओके, इफ पॉसिबल तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी से भी आपका काम चल सकता है। चलिए शुरू करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मैं बता दूं आपको, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम या न्यू रिजीम में, यहां पर दोनों ही रिजीम्स में सेम ट्रीटमेंट होता है। जैसे मैं ग्रेच्युटी का या पेंशन का लीव सैलरी का बताऊंगा तो यहां पर दोनों ही रिजीम में सेम ट्रीटमेंट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बहुत अच्छे से हमें समझ में आनी चाहिए कि जो भी ग्रेच्युटी हमें मिलती है, जो भी हमें ग्रेच्युटी मिलती है ड्यूरिंग द सर्विस, अभी एम्प्लॉय रिटायर नहीं हुआ है, अभी वो रिजाइन नहीं कर रहा है, रिटायर नहीं हुआ है, बट उसका ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द जॉब, अगर उसको फॉर एग्जाम्पल उसका एम्प्लॉय हर साल ग्रेच्युटी देता रहता है या हर महीने या हर साल, मतलब रेगुलर उसको ग्रेच्युटी मिलती रहती है, उस केस में हम ऐसी ग्रेच्युटी को हमेशा टैक्सेबल करेंगे। टाइप ऑफ एम्प्लॉय वो कैसा भी हो, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज कम्प्लीटली इररिलेवेंट। तो इन केस अगर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के दौरान ही आपको ग्रेच्युटी मिलती रहती है तो सच टाइप ऑफ ग्रेच्युटी इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, ये बात याद रखिएगा। हम लोग जो ग्रेच्युटी के बारे में बातें कर रहे हैं वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में बातें कर रहे हैं। जब
इम्प्लॉय रिटायर हो रहा है या फिर वो रिजाइन कर रहा है, जब वो छोड़कर जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, उस समय जो ग्रेच्युटी मिलती है वो एग्जेम्प्ट हो सकती है अप टू सर्टेन लिमिट, राइट। बट ये बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है, इंप्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ जॉब, तो फुली टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर रिसीव होती है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन टर्मिनेशन, कुल मिलाकर सिंपल सी बात है, जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, ठीक है, वो किसी भी रीजन से जा रहा है, वो टर्मिनेशन है, रिटायरमेंट है, रेजिग्नेशन है, कुछ भी रीजन है, उस समय जो आपको ग्रेच्युटी मिलती है दैट कैन बी एग्जेम्प्ट, राइट। ओके, अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारा इंप्लॉई है जब वो रिटायर हो रहा है, रिजाइन कर रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, उस समय जो उसको ग्रेच्युटी मिल रही है वो किस तरह के इंप्लॉय को मिल रही है। तो हमें इसमें इसका फर्स्ट पार्ट होता है, अगर वो इंप्लॉय एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉय है, लोकल अथॉरिटी भी यहाँ पर कवर्ड है, तो अगर इन केस वो इंप्लॉय एक गवर्नमेंट इंप्लॉय है, उसको जो ग्रेच्युटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, दैट ग्रेच्युटी इज फुली एग्जेम्प्ट, वो फुली एग्जेम्प्ट रहेगी। क्लियर है ये बातें? तो ग्रेच्युटी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो एट द टाइम ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जॉब मिलती रहती है, हर साल मिलती है, दैट ग्रेच्युटी इज फुली टैक्सेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ एम्प्लॉई। बट ये हम बातें कर रहे हैं जो ग्रेच्युटी हमें मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुली एग्जेम्प्ट होगा, इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉई। बट इनकेस वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होता, अप टू अ सर्टेन लिमिट ही एग्जेम्प्ट होता है, राइट। बट उसके से पहले हम लोग ये देखते हैं, क्या वो इंप्लॉय कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में या कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है। इन केस ये बात आपको क्वेश्चन में मेंशन होती है कि वेदर द इंप्लॉय इज कवर्ड और नॉट कवर्ड, राइट। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 0.001% ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि है तो वो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय बट क्वेश्चन ये मेंशन ना करे, वैसे तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, जब कभी भी इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन देता है तो वो बताता है कि वेदर द इंप्लॉय इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। बट इन केस अगर क्वेश्चन मेंशन ना करे तो आप अपनी अजम्पशन ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों में से कोई भी आप अजम्पशन ले सकते हैं। जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड वाली अजम्पशन लें, क्योंकि प्रैक्टिकली ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस कवर्ड होती है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से, राइट। बट इस तरह की बात शायद आपको नहीं मिलेगी, आपको अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन ने अभी तक जितने भी पेपर्स आए वो हमेशा मेंशन करता है और वो आगे भी करता रहेगा, ठीक है। ओके, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है एम्प्लॉय तो आप लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट करेंगे, राइट। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, जितनी भी ग्रेच्युटी मिली है, सेकेंड लिमिट होगी 20 लाख रुपीज, स्टैट्यूटरी लिमिट है, फिक्स लिमिट है, एंड थर्ड इज 15/26 अपॉन इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 15/26 ऑलमोस्ट ही हाफ के बराबर होता है, 15/30 लेना चाहिए था, तो इसमें 4 संडेज हटा देते हैं तो वर्किंग डेज लेते हैं, इसलिए 15/26 है। तो प्लीज याद रखिएगा कि ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो 15/26 ही लेना है, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी में सिर्फ बेसिक सैलरी आती है और डीए आता है, यहाँ पर डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा डीए यहाँ पर लेना है, ठीक है। फॉर्मिंग पार्ट का यहाँ पर कोई रेलेवेंस नहीं है। तो अगर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है, याद रखिएगा दो चीज, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी में लेना है आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब देखो लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब क्या होता है, थोड़ा लॉजिकली समझिएगा। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब होता है जो आपने पूरे महीने में ड्रॉ करी थी, जो लास्ट सैलरी थी आपकी। अब लास्ट सैलरी का मतलब ये होता है, मतलब ऑन एन एवरेज नॉर्मली पूरे एक महीने की सैलरी। इन केस यहाँ पर अगर हमारा एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है एंड ऑफ द मंथ, लेट से फॉर एग्जांपल वो अक्टूबर में 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहा है, तो अगर वो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहा है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि अक्टूबर की सैलरी उसने ड्रॉ करी होगी ना, तो वो हमारी लास्ट ड्रॉन सैलरी हो जाएगी, तो हम अक्टूबर की सैलरी ले सकते हैं। बट इन केस अगर ऐसा हुआ कि हमारा एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है पूरे मंथ में कहीं पर बीच में, ठीक है, मिडल ऑफ द मंथ वो कहीं पर रिटायर हो रहा है, लेट्स से वो 10 अक्टूबर को हो रहा है या फिर 15 अक्टूबर, किसी भी दिन हो रहा है बीच में कहीं पर, तो आप अक्टूबर की सैलरी नहीं ले सकते, क्योंकि अक्टूबर की सैलरी पूरे महीने की नॉर्मल सैलरी नहीं होगी। अगर वो 10 अक्टूबर को रिटायर हुआ तो 10 दिन की सैलरी बनी, तो उस केस में फिर आप लास्ट जो मंथ होता है हमारा अक्टूबर से पहले सेप्टेम्बर की सैलरी लीजिएगा। तो यहाँ पर लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब होता है जब वो रिटायर हुआ तो उसके एक महीने की सैलरी कितनी होती है। अगर वो एंड ऑफ द मंथ रिटायर हो रहा है तो आप उसी मंथ ले सकते हैं, जैसे अक्टूबर 31 को रिटायर हुआ तो अक्टूबर की सैलरी ले सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल वो नवंबर 30th नवंबर को बिल्कुल आखिरी दिन पर जाकर रिटायर हुआ तो आप नवंबर की सैलरी ले सकते हैं, बट अगर बीच में कहीं पर भी रिटायर हो रहा हो तो उससे एक पहले महीने की सैलरी लीजिएगा। यहाँ पर लॉ मेकर्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपको नॉर्मली एक महीने की सैलरी वो लेना चाहता है। तो 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, इसका मतलब होता है राउंड ऑफ करना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉई ने कंप्लीटेड ईयर्स उसके 10 years और 2 months आ रहे हैं तो 2 months को प्लीज मत लीजिएगा, उसको इग्नोर कर कीजिएगा पार्ट ऑफ द मंथ को, अगर वो 6 months से ज़्यादा का नहीं है तो सिर्फ 10 ही लेने हैं। बट अगर यहाँ पर इन एक्सेस ऑफ 6 months से लेट से उसने 10 years 7 months काम किया है तो आप राउंड ऑफ कर दीजिएगा, फिर आप 11 months ले लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन एक्सेस ऑफ, अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो लिखा हुआ है इन एक्सेस ऑफ 6 months, यानी कि 6 months से जब थोड़ा सा भी ज़्यादा जाएगा तब आपको राउंड ऑफ करना है। एग्जैक्ट अगर 6 months आ जाएगा तो यहाँ पर एक डिलेमा रहता है कि अगर एग्जैक्ट 6 months आ जाए, अगर यहाँ पर 10 years 6 months आ जाए तो क्या करना है, तो मैं एज पर लॉ ही चल रहा हूँ, लॉ कहता है कि इन एक्सेस ऑफ 6 months होगा तब राउंड ऑफ करना है। तो अगर एग्जैक्टली 6 months आएगा फिर मत करिएगा, फिर 10 years ही लीजिएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग इट सेज इन एक्सेस ऑफ 6 months, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो कवर्ड नहीं है ग्रेटुटी एक्ट में, अगर इनकेस वो कवर्ड नहीं है ग्रेटुटी एक्ट में तो ऑलमोस्ट शुरू के 2 conditions सेम रहेंगी, एक्चुअल ग्रेटुटी रिसीव्ड और 20 lakh rupees। बट थर्ड कंडीशन, यहाँ पर पहले तो लेते थे हम 15/26, हम यहाँ पर 15/26 ना लेकर 1/2 ले रहे हैं, ऑलमोस्ट ये भी 1/2 के ही बराबर होता है, बट यहाँ पर हम सिर्फ वर्किंग डेज ले रहे हैं, सिर्फ 26 डेज ही लिए हैं यहाँ पर 15/26 करके, बट यहाँ पर हमने पूरा का पूरा 1/2 ही लिया है। तो 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सैलरी का मतलब होता है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, जो हम HRA में या फिर प्रोविडेंट फंड में जो सैलरी देखते हैं, यानी कि बेसिक सैलरी DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, राइट, और पिछले 10 महीने का हम लोग एवरेज करते हैं। तो मैंने आगे दिया भी हुआ है कि मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होता है, अगर वो इंप्लॉय कवर्ड है ग्रेटुटी एक्ट में तो बेसिक सैलरी प्लस डीए लेना होता है, बट अगर इंप्लॉय कवर्ड नहीं है ग्रेटुटी एक्ट में तो बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, जो हमारी चीज़ें HRA में भी काम आती हैं ये चीज़ें, इसलिए मैं एक नाम देता हूँ इनको RBS सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, राइट। और वहाँ पर हम लोग लेना होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो भी उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर वो रिटायर हुआ है एंड ऑफ द मंथ में तो आप उसी मंथ की सैलरी ले सकते हैं, वही हमारा मंथ ऑफ रिटायरमेंट को मान लिया जाता है, बट अगर वो बीच में कहीं पर रिटायर हुआ है तो आप 1 महीने पहले की सैलरी ले लीजिएगा। और यहाँ पर एवरेज सैलरी का मतलब होता है उसके पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज, उसके पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज, तो एवरेज ऑफ 10 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हुआ है उसके पहले के 10 महीने, सेम कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा। अगर वो एंड ऑफ द मंथ रिटायर हुआ है तो आप उस मंथ को इंक्लूड करके टोटल 10 months लीजिएगा, अगर वो बीच में कहीं पर रिटायर हुआ है तो उस मंथ को आप ड्रॉप कर दीजिएगा, उससे पहले के 10 महीने ले लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को रिटायर हुआ है तो आप पहले के 10 महीने कौन से लेंगे, अक्टूबर को ड्रॉप कर दीजिएगा आप सितंबर, और इससे पहले के 10 महीने चले जाइएगा उसका एवरेज। और सिर्फ एवरेज में लेना क्या क्या है, बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, राइट। और आपको पता है ये जो 20 lakh rupees इसकी लिमिट होती है ना, ये स्टैट्यूटरी लिमिट है जो दोनों में सेम है, वो हमें अगर हम पहले से कोई एग्जम्पशन ले चुके थे ग्रेटुटी की तो वो हमारी लिमिट लाइफ टाइम की होती है, इसलिए वो रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले से हम लोग लेट से 4 lakh rupees की एग्जम्पशन ले चुके थे तो ये लिमिट हमारी 20 लाख से रिड्यूस हो जाएगी, -4 lakh करके तो 16 लाख हो जाएगी। जितनी भी हम एग्जम्पशन पहले ले चुके हैं प्लीज अपनी ये लिमिट को रिड्यूस कर दीजिएगा। याद आ गया आपको, ओके। सो दिस वाज अबाउट ग्रेटुटी, ग्रेटुटी कॉमन होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज पेंशन, पेंशन का आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेगुलर पेंशन मिलती है, रेगुलर पेंशन का मतलब होता है मंथली पेंशन जब मिलती है आपको, इसको हम अनकम्यूटेड पेंशन भी बोलते हैं, तो इसको रेगुलर पेंशन बोलते हैं या फिर हम अनकम्यूटेड पेंशन भी बोलते हैं, जो आपको मंथली मिलती है। तो अगर किसी को ये मंथली पेंशन मिलती है जो रेगुलर पेंशन होती है अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड मतलब कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम, कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम पेंशन, बट मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं अभी बातें कर रहा हूँ अनकम्यूटेड पेंशन की, जो बिल्कुल रेगुलर मिलती है हर महीने जो मिलती है पेंशन। तो आपको पता है अगर एम्प्लॉय को पेंशन भी मिलती है अपने एक्स एम्प्लॉयर से, जहां पर वो काम करता था वहां से उसको पेंशन मिलती है अभी भी रेगुलर मंथली, तो वो भी सैलरी एडमिट टैक्सेबल होता है, राइट, वो सैलरी एडमिट टैक्सेबल होगा और ये फुली टैक्सेबल होती है। अनकम्यूटेड पेंशन एक तरीके से बेसिक सैलरी की तरह इसको मानिए, ये फुली टैक्सेबल होती है, राइट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो भी फुली टैक्सेबल कीजिएगा।
तो अनकम्यूटेड पेंशन या रेगुलर पेंशन किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं, ये फुली टैक्सेबल होती है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट इन केस रिटायरमेंट के टाइम पर अगर आपको एक लमसम पेंशन का अमाउंट मिल जाता है, लमसम पेंशन का अमाउंट मिल जाता है जिसको हम कम्यूटेड पेंशन भी बोलते हैं, दिस कम्यूटेड पेंशन कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होती है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय है, अगर इन लोगों को, ऐसे एम्प्लॉयज को कम्यूटेड पेंशन दैट इज लमसम पेंशन मिल जाए तो ये फुली एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, याद रहेगा ये बात, वो फुली एग्जेम्प्ट रहेगी। बट अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी कि अदर एम्प्लॉयज हैं, तो अगर इनको कम्यूटेड पेंशन मिलती है तो फुली एग्जेम्प्ट तो नहीं होती, बट हाँ कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होती है। अब वो कितना होगा वो डिपेंड करता है क्या इनको ग्रेच्युटी भी मिली है, क्या इनको, तो सबसे पहले ये पूछे अदर एम्प्लॉयज से क्या आपको ग्रेच्युटी भी मिली है। अगर आपको ग्रेच्युटी मिली है तो हम आपको एग्जेम्प्ट करेंगे 1/3 ऑफ सर्टन अमाउंट, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो हम एग्जेम्प्ट करेंगे 1/2। अब देखिए 1/3 और 1/2 आप कैसे याद करेंगे, पहले मुझे बताइए इसमें से ज्यादा एग्जम्पशन क्या होती है, 1/3 से ज्यादा अमाउंट की एग्जम्पशन आएगी या 1/2 से? सर 1/2 से ज्यादा एग्जम्पशन आएगी, राइट? क्यों? 1/2 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 50%, राइट? 1/2 का मतलब होता है 50% एग्जम्पशन, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, राइट? तो ज्यादा एग्जम्पशन कब आएगी? 1/2 से, 50% से। और लॉजिकल आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर कि ऑलरेडी अगर असेसी को, यहाँ पर एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो हमें उसे ज्यादा एग्जम्पशन देनी चाहिए, तो अगर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो हम एग्जम्पशन देंगे उसको 1/2 करके, दैट इज 50% मैं कह सकता हूँ। बट अगर उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो यहाँ पर तो उसको डबल बेनिफिट हो रहा है ना, उसको कम्यूटेड पेंशन भी मिल रही है, उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है, तो यहाँ पर जब हम कम्यूटेड पेंशन की उसको एग्जम्पशन देंगे तो यहाँ पर हम लोग उसको कम एग्जम्पशन देंगे, यानी कि 1/3 कम वैल्यू की एग्जम्पशन देंगे। क्लियर है? इस तरीके से आपको याद करना चाहिए, मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ, तो कभी भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि 1/3 कहाँ पर लगाना है, 1/2 क्या लगाना है। तो सिंपल एक सेकंड के लिए बस ये सोच लीजिए 1/2 और 1/3 में से कौन सा ज़्यादा अमाउंट की एग्जम्पशन ज़्यादा देगा, तो 1/2 ज़्यादा देगा 50%। तो ज़्यादा एग्जम्पशन हम उसको देंगे जिसको बेचारे को ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही है। अगर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो उसको 1/2 वाली एग्जम्पशन दीजिए, अगर उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है, इज गेटिंग दैट एम्प्लॉय इज गेटिंग ग्रेच्युटी ऑल्सो, उसको एग्जम्पशन थोड़ी कम दीजिए, 1/3 वाली दीजिए। ठीक है, 1/2 या 1/3 आप लोग लगा लेंगे कि आपको किस तरीके से ग्रेच्युटी है ग्रेच्युटी नहीं है। 1/3 और 1/2 किस चीज़ का? जितनी उसको अगर कम्यूटेड पेंशन, अगर वो पूरा का पूरा अपनी वैल्यू को कम्यूट करा लेता तो उसको कितनी पेंशन मिलती? तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसको कितनी कम्यूटेड पेंशन अगर वो 100% कम्यूट करा लेता। तो इसका एक हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, जितनी भी उसको 1/3 या 1/2 ऑफ कम्यूटेड पेंशन अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन यानी कि उसने कितनी परसेंट वैल्यू अपनी कम्यूट कराई, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि उसको अगर टोटल पेंशन मिलती तो वो कितनी मिलती। फॉर एग्जाम्पल उसको मिला है फॉर एग्जाम्पल 7 लाख रुपीज, और हम ये हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है कि उसने अपनी 70% पेंशन कम्यूट कराई है, उसने अपनी 70% पेंशन कम्यूट कराई है और उसको मिले 7 लाख रुपीज। तो हम क्या देखेंगे, हमें 1/2 या 1/3 किस चीज़ का करना चाहिए? सर अगर उसको 100% वो पेंशन कम्यूट करा लेता तो उसको कितने पैसे मिलते हैं? तो आपको पता है कि 7 लाख डिवाइडेड बाय 70% कर दीजिए, 70% 70 into 100 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 10 लाख, यानी कि अगर वो पूरी कम्यूट कराता तो उसको 10 लाख रुपीज मिलते, उसका हम 1/2 या 1/3 को एग्जेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, सिंपल आप ये फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं, राइट? तो 1/2 और 1/3 कब लगाना है ये समझ में आ गया। अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है उसको तो उसको ज़्यादा एग्जम्पशन देनी चाहिए 1/2 करके, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है उसको 1/2 करके दीजिए, ग्रेच्युटी भी मिल रही है उसको, दैट पर्सन इज गेटिंग ग्रेच्युटी ऑल्सो, तो 1/3 दे दीजिएगा। ठीक है, और अगर पेंशन मिलती है विनर्स ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और सच गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को जब पेंशन मिलती है तो उनके लिए ये एग्जम्प्ट, राइट? टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि लीव सैलरी को आपको कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए अगर लीव सैलरी मिल रही है, बिल्कुल जैसे ग्रेच्युटी में हमने पढ़ा था, अगर आपको ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ योर जॉब ही ग्रेच्युटी मिलती है तो ग्रेच्युटी फुली टैक्सेबल होती है। सेम कंसेप्ट रहेगा लीव सैलरी का। फॉर एग्जाम्पल आप हर साल अपनी लीव इन कैश कराते रहते हैं, अभी आप वहां पर जॉब कर रहे हैं और आप हर साल अपनी लीव इन कैश कराते रहते हैं, उस केस में तो वो लीव सैलरी फुली टैक्सेबल होगी। तो लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ जॉब इज फुली टैक्सेबल, एम्प्लॉय कैसा भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ जॉब मिल रही है तो फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा। ठीक है,
बट अगर लीव सैलरी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन, कुल मिलाकर वहां से आप छोड़कर जा रहे हैं, अगर उस समय आपको लीव सैलरी मिल रही है तो फिर वो सर्टन लिमिट तक एग्जेम्प्ट होती है। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे लोकल अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लोकल अथॉरिटी को हम अदर एम्प्लॉयज में ही इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। ग्रेच्युटी में और पेंशन में हमारा लोकल अथॉरिटी वाला एम्प्लॉय भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही कहलाता है, बट इस केस में हम सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लीव सैलरी मिलती है, लीव सैलरी का मतलब होता है कि उनके पास छुट्टियाँ थी, छुट्टियाँ उन्होंने अवेल नहीं की थी और एम्प्लॉयर उनको छुट्टियों के पैसे दे रहा है जब वो रिटायर हो रहे हैं, तो या रिजाइन कर रहे हैं या टर्मिनेट, मतलब कुल मिलाकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं बाय एनी रीजन, तो उस समय जब आपको लीव सैलरी मिलती है और ये एम्प्लॉय हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉट लोकल अथॉरिटी, उस समय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जितना भी लीव सैलरी यानी कि छुट्टियों के पैसे, जितनी भी उन्होंने छुट्टियां एक्यूमुलेट करी थी, उनके जो पैसे मिलते हैं दैट इज फुली एग्जेम्प्ट, वो फुली एग्जेम्प्ट। बट इनकेस हमारा एम्प्लॉय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अदर एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटी भी इधर ही आएगा, तो इनके लिए हम एग्जेम्प्ट करेंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी अमेंडमेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपके एमसीक्यू में, क्योंकि पहले यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख हुआ करती थी, अब वो लिमिट हो गई है 25 लाख, सीधा 3 लाख को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है ये लिमिट को, तो प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक अमेंडमेंट भी आई है, सॉरी। तो आप अदर एम्प्लॉयज के लिए अगर कंप्यूट कर रहे हैं लीव सैलरी, तो लीस्ट ऑफ द 4 पॉइंट्स है हमारे पास, लीस्ट ऑफ द 4 में से जो भी सबसे कम आएगा उसको एग्जेम्प्ट करिएगा। फर्स्ट होता है एक्चुअल लीव सैलरी, जितनी हमें लीव सैलरी मिली, बिल्कुल वैसी जैसे ग्रेच्युटी था, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, यहां पर आएगा एक्चुअल लीव सैलरी, राइट। सेकेंड, स्टैट्यूटरी लिमिट ग्रेच्युटी में क्या होती है, 20 लाख, यहां पर कितनी है 25 लाख, पहले 3 लाख हुआ करती थी, यहां पर चेंजेस हो गए हैं, अब 25 लाख स्टैट्यूटरी लिमिट, 25 लाख है। थर्ड लिमिट होती है 10 इंटू एवरेज सैलरी, और यहाँ पर भी सैलरी का मतलब वही है, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, राइट, 10 इंटू एवरेज सैलरी, और लीव्स एट द क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी, जितनी आपके पास लीव्स बची हुई हैं प्लीज उसको मंथ्स में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि आप इसको सैलरी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप सैलरी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एवरेज सैलरी का मतलब होता है लगभग एक महीने की सैलरी का आपने एवरेज, आपने एवरेज निकालते हैं यहाँ पर पिछले 10 महीने की सैलरी का, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो पिछले 10 महीने उसका एवरेज निकालेंगे, उसका एवरेज का मतलब लगभग एक महीने की सैलरी आएगी एवरेज निकाल के। तो अगर आपकी सैलरी ये पर मंथ वाली आ गई है तो इसका मतलब ये आपके लीव्स भी कैसी होनी चाहिए, डेज के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं, वो तो सिमेट्री नहीं रहेगी ना, कि आप डेज को मंथ की सैलरी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सिमेट्री कब रहेगी, जब आपकी सैलरी जो ये पर मंथ आई है तो आपकी ये डेज भी मंथ्स के हिसाब से होने चाहिए। तो अगर आपने डेज के हिसाब से मंथ्स कैलकुलेट करे हैं तो प्लीज उसको, सॉरी, डेज के हिसाब से अगर आपने अपनी लीव्स कैलकुलेट करी हैं तो प्लीज उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसको मंथ्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 30 से डिवाइड करके, राइट। तो आपके पास जो लीव्स एट द क्रेडिट, अब लीव्स एट द क्रेडिट का मतलब क्या होता है, वैसे तो फॉर्मूला है, मैं आपको रटा सकता हूँ कि फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। लीव्स एट द क्रेडिट का मतलब सिंपल होता है कि जितनी छुट्टियां हमारे पास बकेट में बची, बकेट में बचने का मतलब होता है जितने छुट्टियां हमने स्पेंड नहीं की थी, वो हमने खर्च नहीं की थी, यानी कि वो मैंने छुट्टियां अवेल नहीं की थी, तो मैंने अगर कोई छुट्टियां अवेल नहीं करी तो वो मेरे पास छुट्टियां बच जाती हैं, तो उसको आप प्लीज मंथ्स में निकाल लीजिएगा। तो ये कैसे निकालते हैं, जितनी आपको लीव्स ग्रांट हुई थी, जितनी आपको लीव्स ग्रांट करती है आपकी कंपनी, ठीक है, वो देखिए कि मेरी कंपनी मुझे कितनी लीव्स ग्रांट करती है, उसमें से मेरे पास कितनी छुट्टियां बच जाती हैं, ठीक है, तो वो होता है लीव्स एट द क्रेडिट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप ऐसे कीजिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर एक्स है, ही इज एन एम्प्लॉय, और इनका एम्प्लॉयर इनको हर साल, फॉर एग्जाम्पल, 25 डेज की लीव्स ग्रांट करता है कि आप 25 डेज की लीव्स ले सकते हैं। तो लीव्स अलाउड बोले, ग्रांट बोले की बात है, अलाउड पर ईयर, तो लेट्स से लीव्स अलाउड पर ईयर इज 25 डेज, हम इनको 25 डेज की लीव्स ग्रांट करते हैं कि आप 25 डेज की लीव्स ले सकते हैं। लेट्स से वो छुट्टियां ले लेता है, वो लीव्स अवेल कर लेता है, अवेल्ड का मतलब होता है वो छुट्टियां ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल वो 6 डेज एवरी ईयर छुट्टियां ले लेता है, राइट, तो प्लीज बताइए उसके पास कितनी छुट्टियां बच जाती होंगी, 25 - 6 यानी कि 19 डेज की छुट्टियां उसकी लीव्स एट द क्रेडिट मानी जाएंगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो कुछ छुट्टियां तो ले ही लेता है और साथ में कुछ छुट्टियों के पैसे भी ले लेता है, तो
तो लेट से उसने लीव्स इन कैश करा ली, इन कैश भी करा ली, फॉर एग्जांपल हर साल वो 4 डेज की लीव्स को इन कैश भी करा लेता है, इसका मतलब 4 छुट्टियां भी उसकी लैप्स हो गई, 6 छुट्टियां तो उसने ले ली वो भी लैप्स, 4 छुट्टियां उसने इन कैश करा ली ये भी खत्म। तो उसके पास अगर हम देखते हैं तो लीव्स एट द क्रेडिट यानी कि उसके पास कितनी छुट्टियां बचती हैं हर साल, तो उसके पास हमारे 25 - 6 - 4 यानी कि 15 डेज की छुट्टियां उसके पास हर साल बचती हैं। और हम ये एज्यूम करते हुए चलते हैं कि हर साल का यही कंसेप्ट रहा होगा, तो 15 डेज होता है लीव्स एट द क्रेडिट, ठीक है, लीव्स एट द क्रेडिट। अब फिर हम देखते हैं कि उसने कितने साल हमारे यहाँ पर काम किया, तो लेट से हमें पता चलता है कि उसने हमारे यहाँ पर 24 ईयर्स एंड 7 मंथ्स काम किया है, 7 मंथ्स काम किया है, तो हर साल उसके पास 15 दिन की छुट्टियां लीव्स एट द क्रेडिट बचती हैं। तो आप कैसे करेंगे इसको, आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 ईयर्स 7 मंथ से, बट यहाँ पर लॉ ने बोला कि पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर कर दीजिएगा, पार्ट ऑफ द मंथ को पूरा तरीके से इग्नोर करना है। सर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स को भी इग्नोर करना है? हाँ जी, अगर ये 11 मंथ्स भी होता तो भी इग्नोर करते हैं आप, तो पार्ट ऑफ द मंथ को, पार्ट ऑफ द ईयर को नहीं लेना है, तो सिर्फ आप 24 ईयर्स ही लीजिएगा जो भी कंप्लीटेड ईयर्स हैं। तो 15 डेज इनटू 24 करके हमारे पास आ जाता है 24 इनटू 15 360 डेज, ये आ जाता है 360 डेज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीव्स एट क्रेडिट, ठीक है, आपके पास इतनी छुट्टियां बच जाती हैं, आप फिर आपको इतने 360 डेज की छुट्टियां आपके पास बच गई हैं, तो आपको जितने भी आपकी एवरेज सैलरी आ जाएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो एवरेज सैलरी होगी तो आपकी मंथली होगी, पर ये डेज आए हैं आपके नंबर ऑफ डेज में, तो आप इसको क्या कीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए मंथ्स में, तो इसको डिवाइडेड बाय 30 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 मंथ्स, राइट, आपके पास 12 मंथ्स आ जाएगा, तो 12 मंथ्स इनटू, इसको बोलते हैं लीव्स ऑफ द क्रेडिट इन मंथ्स, तो यही बातें यहाँ पर मैंने लिखी थी, लीव्स इन क्रेडिट आप निकाल लीजिएगा इन मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी ले लीजिएगा, तो दिस इज 12 मंथ्स इनटू जो भी आपकी एवरेज सैलरी आई होगी पिछले 10 महीने का एवरेज, और 10 महीने के एवरेज में क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न, करेक्ट। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जो लीव्स एट द, जब आप लीव्स एट द क्रेडिट निकालें, जब आप लीव्स एट द क्रेडिट निकालेंगे तो आपके पास जो भी लीव्स अलाउड होंगी, अगर आपका एम्प्लॉयर 30 डेज या उससे कम लीव्स देता है फिर तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है आपके एम्प्लॉयर ज़्यादा दयालु होते हैं, दयालु का मतलब कि वो ज़्यादा ही आपके ऊपर मेहरबान है, वो आपको ज़्यादा लीव्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपको लीव्स देते हैं 25 ना देके वो आपको लीव्स देते हैं 45, तो हमारे पास लीव्स एट द क्रेडिट कितना बच जाएगा, सर 45 - 6 - 4, तो हमारे पास 35 डेज की लीव्स एट द क्रेडिट बच जाएगी, ठीक है, फिर हम उसको कंप्लीट ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डेज आएगा उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट, और फिर हमारा हम अपना फोर्थ वाला पॉइंट निकाल देंगे। बट यहाँ पर भी ये वाले रूल्स हमारे ये कहते हैं कि अगर आपको लीव्स अलाउड होती हैं 30 डेज से ज़्यादा, जैसे इस केस में लेट से 40 डेज 45 डेज, इस तरीके से आपको अलाउड होती हैं, तो आप मैक्सिमम जब ये लीव्स एट द क्रेडिट निकालें तो ये मैक्सिमम सिर्फ 30 डेज ही ले सकते हैं। अगर ये 30 डेज है उससे कम है फिर तो चलेगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 25 है तब तो चलेगा, बट अगर ये 30 से ज़्यादा हैं तो प्लीज़ जब आप लीव्स एट द क्रेडिट निकालें तो उस समय प्लीज़ इसको 30 तक को ही ग्रांट माने कि मुझे अपने एम्प्लॉयर से कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, मैक्सिमम 30, राइट। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लीव सैलरी, अब पूरा एक बार समराइज करते हैं, लीव सैलरी अगर ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ जॉब मिलती है, यानी कि आप हर साल इसको इन कैश कराते हुए चलते हैं, अगर हर साल इन कैश कराते हुए चलते हैं तो दैट वुड बी फुली टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी, करेक्ट। दूसरी बात आती है, अगर ये लीव सैलरी आपको रिटायरमेंट के टाइम पर या रेजिग्नेशन के टाइम पर या जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं उस समय आपको मिलती है, तब ये एग्जेम्प्ट हो सकती है। अगर एम्प्लॉय एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जेम्प्ट करिएगा, बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय है तो आप एग्जेम्प्ट करिएगा लीव्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है एक्चुअल लीव सैलरी, सेकंड स्टैट्यूटरी लिमिट है 25 लाख, पहले ये 3 लाख होता था बट अब ये 25 लाख है, प्लीज ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक चेंज आया है। सी पॉइंट सेम, सी और डी पॉइंट सेम है, क्या है वो 10 इंटू एवरेज सैलरी, तो जो भी आपके पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी आई थी उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इनटू एवरेज सैलरी। और फोर्थ है लीव्स इन क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी, और लीव्स इन क्रेडिट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से निकालेंगे, जितनी लीव्स ग्रांट होती हैं अगर वो 30 या उससे कम होती हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 30 से ज़्यादा होती है तो मैक्सिमम 30 ही लेकर चलिएगा। लीव्स ग्रांटेड माइनस लीव्स अवेल्ड माइनस लीव्स इन कैश, तो ये आपके पास लीव्स द क्रेडिट आएगा, ठीक है, एक साल का,
जितना भी नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स हो उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर कीजिएगा, जो आपके पास डेज आएंगे उसको प्लीज मंथ्स में कन्वर्ट करिएगा, और उसको कहते हैं लीव्स इन क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी। तो इन चारों में से जो भी लीस्ट हो, एवरेज सैलरी में क्या क्या लेना है, जैसे मैंने आपको बता दिया है पिछले 10 महीने की सैलरी प्रीसीडिंग द रेट ऑफ रिटायरमेंट। सैलरी का मतलब वही होता है आरबीएस सैलरी। तो आरबीएस सैलरी ना हमारी काफी जगह पर काम आती है, तो इसलिए मैं इसका नामकरण मैंने इसको आरबीएस बोलता हूँ, क्योंकि एचआरए में देखा हमने काम आया। फिर जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं थे लोग वहां पर भी काम आया, तीसरी बार यहाँ पर काम आ गया लीव सैलरी में, आगे भी काम आएगा, इनफैक्ट आरपीएफ में ये काम आएगा। तो ये इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया आरबीएस सैलरी, जहां पर भी ये बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर लेते हैं तो उसको मैं नाम देता हूँ आरपीएस सैलरी। लीव्स एट द क्रेडिट कैसे निकालते हैं, लीव्स एट ग्रांटेड माइनस लीव्स अवेल्ड माइनस लीव्स इन कैश, और लीव्स ग्रांटेड अगर 30 से ज्यादा है, 30 या 30 से कम है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 30 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 30 डेज ही लीजिएगा। और सिर्फ आपको कंप्लीटेड ईयर्स लेना है, पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर करना है, जैसे 9 ईयर्स 11 मंथ्स को सिर्फ 9 ईयर्स ही लेना है आपको, ठीक है, मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर दे दिया है। और ये जो आपकी 25 लाख की एग्जम्पशन है, जो स्टैट्यूटरी लिमिट हो गई 25 लाख, ये आपकी लाइफ टाइम एग्जम्पशन होती है। हो सकता है कि आप पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, वहां से रिटायर हो गए, आप कहीं और आपने ज्वाइन किया, और यहाँ पर भी आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, और इससे पहले भी आप कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में पहले के आप एग्जम्पशन ऑलरेडी ले चुके थे, तो आपकी वो एग्जम्पशन इस लिमिट से रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि लाइफ टाइम की लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले से 2 लाख की एग्जम्पशन ली थी, तो अब आपकी ये लिमिट 25 माइनस 2 यानी कि 23 लाख ही ली जाएगी, ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, सो दिस वॉज अबाउट लीव सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया प्रोविडेंट फंड का, ठीक है, इजी कंसेप्ट होता है प्रोविडेंट फंड का, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग बातें कर रहे हैं इंप्लॉय के प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है जो इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय के लिए ओपन कराता है। तो जनरली 3 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं इंप्लॉयज के, एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है जो मेनली गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए ओपन किया जाता है, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक और तरह का प्रोविडेंट फंड होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम अच्छा सा नाम देते हैं पीपीएफ, बट ये एक्चुअली इंप्लॉय से रिलेटेड नहीं होता, ये पीपीएफ कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है, चाहे वो कहीं पर जॉब कर रहा हो या नहीं भी कर रहा हो, इवन अगर आप चाहें तो आप भी खुलवा सकते हैं पीपीएफ अपना। तो पीपीएफ की एक्चुअली बातें हमें नहीं करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि वो इंप्लॉय से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि जब प्रोविडेंट फंड की बात आती है तो ये पीपीएफ भी पीछे पीछे आ जाता है, बट ये इंप्लॉयर से रिलेटेड नहीं होता, ये तो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पीपीएफ की हम बातें पढ़ते हैं डिडक्शंस के चैप्टर में, जहाँ पर हम 80C की बातें करेंगे कि अगर आप पीपीएफ में डिपॉजिट कराते हैं तो 80C में एलिजिबल है कि आप वहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं, राइट, ठीक है, आपको पता है 80C में हम मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन ले सकते हैं, बट ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम, न्यू स्कीम में तो आप ले नहीं सकते 80C वगैरह। तो पीपीएफ की बातें हमें यहाँ पर नहीं करेंगे, वो 80C में एग्जम्पशन हमें हम वहाँ पर डिडक्शन मिलती है, हम वहाँ पर बातें करेंगे। तो पीपीएफ की बातें तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा यहाँ पर, दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, वो कोई भी ओपन करा सकता है, कोई अगर वो नॉन सैलरीड एसएससी भी है वो भी करा सकता है, सैलरीड एसएससी क्या करा सकता है उसकी मर्जी है, सैलरीड एसएससी का भी फॉर एग्जांपल आरपीएफ चल रहा है, वो चाहता है पीपीएफ खोलना, वो उसकी मर्जी है, बट सैलरी से रिलेटेड हम की कोई बातें पीपीएफ में नहीं होती है, दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, इस तरीके से आप पीपीएफ में अकाउंट खुलवा दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, बैंक में तो थोड़ा सा फ्री होते हैं, कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, पीपीएफ में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट पीपीएफ इज नॉट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बेसिकली। तो वैसे भी पीपीएफ की पूरे इनकम टैक्स में ना मेनली 80C में ही बातें होती हैं, जहां पर आप अगर पीपीएफ में पैसे जमा कराते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ, तो यहां पर उसको एग्जम्पशन मिल सकती है, डिडक्शंस मिल सकती है, सॉरी। ओके, मैं बातें करूंगा इन तीनों की करूंगा, एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है जो गवर्न करता है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 इसको गवर्न करता है, मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कराती है, ठीक है। जो मेनली नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई या फिर बजाज हो गई या टाटा वगैरह हो गए, इन लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड जो ओपन कराते हैं वो इनका एम्प्लॉयर ओपन कराएगा, और जनरली वो रिकॉग्नाइज होते हैं, रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये फंड्स रिकॉग्नाइज होते हैं बाय कमिश्नर, यानी कि यहाँ पर भी पैसे आप, ठीक है, इसको गवर्न करते हैं, पीएफ एक्ट होता है 1952 करके, तो उसको गवर्न करता है, इसके लिए पीएफ एक्ट 1925 होता है, ठीक है, ये सब बातें आपको कोर्स में नहीं है, आपको ये करनी नहीं है, बट मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ।
तो दीज आर रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। एक प्रोविडेंट फंड भी है, वो भी आपके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आपको करने पड़ते हैं। यहाँ पे टाइमली आपको प्रोविडेंट फंड में पैसे डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। और जब इम्प्लॉयर यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करा देता है इम्प्लॉई के लिए, तो इम्प्लॉई जब भी यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेगा, यहाँ से रिटायर होगा, तो उसको पैसे वहाँ से वो विड्रॉ कर सकता है, राइट। और अगर क्या यहाँ से इम्प्लॉयर ने अगर पैसे डिपॉजिट करा दिए कि किसी इम्प्लॉई के लिए, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले ने, फॉर एग्जाम्पल एक नेस्ले इम्प्लॉयर है और नेस्ले ने अपने इम्प्लॉई के लिए पैसे डिपॉजिट करा दिए, तो क्या नेस्ले इसको वापस विड्रॉ कर सकती है? नहीं कर सकती, ठीक है। वो पैसे एक बार डिपॉजिट हो गए तो वो इम्प्लॉई के ही हो जाते हैं, ऑल दो इम्प्लॉई को डायरेक्टली अभी रिसीव नहीं हो रहे हैं, बट हाँ जब वो यहाँ से छोड़ेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को या रिटायर होगा तो उस समय उसको पैसे वो मिलते हैं। बट ये डीम टू बी रिसीव्ड माना जाता है कि एक्चुअली देखा जाए तो हर साल उसको ये पैसे उसके फंड में ही डिपॉजिट हो रहे हैं और ये पैसे उसी के हैं, इसलिए जब वो रिटायर होगा या वो छोड़ेगा तो उसी को मिलेंगे ये पैसे, तो हम इसको डीम टू बी रिसीव्ड मानते हैं। ऑन द अदर हैंड अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऐसा होता है, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिकग्नाइज नहीं है, ठीक है, ये किसी भी लॉ के अंडर रिकग्नाइज नहीं है, इसको कहते हैं अनरिकग्नाइज्ड। तो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर जनरली तो वैसे बहुत रेयर ही कोई ओपन कराता है इम्प्लॉयर इस तरह के फंड, क्योंकि ये एक तरीके से इम्प्लॉई के साथ हार्डशिप होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई इम्प्लॉई है, वो 20 साल से काम कर रहा है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए URPF ओपन करा है, तो 20 साल से उसका पैसा उस PF फंड में डिपॉजिट हो रहा है, जो कहीं से भी रिकॉग्नाइज नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, किसी भी गवर्नमेंट लॉ से वो गवर्न नहीं करता। और उस बेचारे इंप्लॉय ने 20 साल यहां पर काम किया, जिस फंड के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, जो उसका इंप्लॉयर है, वो चाहे तो इसके पैसे कभी भी निकाल सकता है। तो प्लीज बताइए, क्या वो ऐसे इंप्लॉय के ऊपर हार्डशिप हो जाती है? तो जनरली लोग ऐसी जगह पर काम ही नहीं करते जहां पर अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है प्रैक्टिकली, और देखा जाता है प्रैक्टिकली ये ना के बराबर है आज, बट फिर भी हमें इसकी टैक्स इंप्लिकेशंस करनी है जो हमारे कोर्स में, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो ऐसे फंड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई लॉ गवर्न नहीं करता, यानी कि इसके पैसे एक किसी फंड में डिपॉजिट हो रहे हैं जिसके ऊपर इंप्लॉय का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ये पैसे इंप्लॉयर उसको ना दे तो वो बेचारा इंप्लॉय कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। तो प्लीज बताइए, अगर इसके पैसे आपके हर साल यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं और अभी तक इंप्लॉय को उसको मिले नहीं है पैसे, तो क्या हम इसको हर साल इनकम बनाएं? जैसे RPF में पैसे भी अभी मिले नहीं है बट डीम टू बी रिसीव माने जाते हैं, क्या हम URPF को भी डीम टू बी रिसीव बोल देना? आंसर इज नो, क्योंकि इंप्लॉय के ऊपर हार्डशिप हो जाएगी अगर उसको पैसे कभी मिलेंगे नहीं। तो URPF को हम तभी टैक्सेबल करते हैं जब ये इसके पैसे हमें एक्चुअली रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है RPF और URPF में टैक्सेबिलिटी में। तो URPF के पैसे प्लीज हर साल टैक्सेबल मत कीजिएगा, जब ये पैसे हमें एक्चुअली रिसीव हो जाते हैं तभी टैक्सेबल होते हैं, अदरवाइज ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होते, राइट। मैं इन तीनों फंड्स की अगर बातें करूं तो एक तीनों फंड्स में एक बात कॉमन है, इसमें कुछ हर महीने कुछ पैसे इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है जिसको हम कहते हैं इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ पैसे इंप्लॉई कंट्रीब्यूट करता है जिसको हम कहते हैं इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन। और क्योंकि ये पैसे किसी फंड में डिपॉजिट हो रहे हैं, किसी न किसी अकाउंट में रखे जा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट भी जनरेट होता है, जिसको हम लोग एनुअल एक्रीशन भी बोल देते हैं, या फिर नॉर्मल अगर डे टू डे लाइफ में अगर हम बातें करते हैं तो उसको एनुअल इंटरेस्ट भी बोल देते हैं, कि इस पर इंटरेस्ट भी हमारा इकट्ठा होता रहता है। और जब हमारा ये पैसा एक्चुअली मैच्योर होता है तो उसके अगर हम देखते हैं वो बहुत अच्छा लमसम पैसा होता है, बट अगर टेक्निकली देखें तो उसके चार पार्ट होते हैं, जितना पैसा इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट जितना पैसा इंप्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा है, और दोनों के पैसे के ऊपर अर्न किया गया इंटरेस्ट, राइट। तो मैंने इसको यहां पर दिखाया भी है। तो अगर हम पूरा का पूरा PF का पैसा जब हमें मिलता है तो एक्चुअली उसके चार पार्ट होते हैं, तो इंप्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एक इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एक इंप्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट, और एक इंप्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट। तो ये 1, 2, 3, 4 को मैं किसी को भी 1, 2, 3, 4 बना सकता था, तो मैंने इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बनाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि ये जो फंड होता है इसके टोटल अगर हम देखा जाए तो चार पार्ट होते हैं, राइट। अब अनरिकग्नाइज फंड में अगर आपका पैसा जा रहा है, जब वो मैच्योर होगा, देखो अनरिकग्नाइज फंड समझ लीजिए पहले, अनरिकग्नाइज फंड का पैसा क्या हर साल टैक्सेबल करेंगे? तो अभी हमने देखा कि सर हर साल इसको टैक्सेबल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हो सकता है कि ये इंप्लॉयर ये पैसा लेकर भाग जाए अपने सारे इंप्लॉयज का, तो बेचारा अगर हमने इंप्लॉय को पहले से टैक्स लगा दिया और ये पैसे कभी उसको मिलेंगे ना, तो मिले,
ठीक है, और हमने फालतू में उसको टैक्स लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो ये पैसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का तो हम वेट करते रहते हैं, जब भी वो मैच्योर होता है, जब भी एक्चुअली इंप्लॉय को मिलेगा तब टैक्सेबल करेंगे। तो इंप्लॉय को ये पूरा पैसा मिलेगा, कितना टैक्सेबल करेंगे? देखो जो इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो तो उसकी सैलरी से ही डिडक्ट होकर जा रहा है, उसको तो आप टैक्सेबल करेंगे नहीं, क्योंकि वो जो पैसा फॉर एग्जाम्पल उसको बेसिक सैलरी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल उसकी बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ है, और उसी में से वो कुछ पैसा अपने कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ फंड में। तो अगर वो पीएफ फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, ये पैसा तो ऑलरेडी टैक्स का डिडक्ट होके ही, वो तो टैक्स का, ये पैसा तो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। तो जब इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है तो वो कोई इनकम नहीं होती, वो तो इनकम होती है जो उसको एक्स्ट्रा मिलती है, दैट इज कॉल्ड इनकम। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि मान लेते हैं कि आपने सैलरी अर्न करी पूरे साल में, लेट से आपने 10,00,000 की सैलरी अर्न करी, और वो 10,00,000 रुपए आपको जब मिले, लेट से मैं मान रहा हूँ कि पूरे साल के एक साथ मिले, तो वो पैसे जब आपको एक साथ मिलते हैं तो आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, बैंक में आपने डिपॉजिट करा दिया, जो सैलरी मिली वो बैंक में डिपॉजिट हो गई, राइट। प्लीज मुझे बताइए, इस पे तो ऑलरेडी टैक्स जा चुका होगा ना? हाँ जी सर, सैलरी के ऊपर ऑलरेडी टैक्स जा चुका होगा। अब आपने ये पैसे विड्रॉ कराए, लेट से इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, ये 10,00,000 के 10,00,000 एज इट इज आपको मिल गए, तो प्लीज मुझे बताइए क्या आप इस 10,00,000 के ऊपर दोबारा से टैक्स दोगे? द आंसर इज नो सर, ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट थी जो मुझे वापस मिली है, राइट। तो जब ये 10,00,000 के 10,00,000 आपको ऑलरेडी वापस, जो आप ही के थे, आपने डिपॉजिट कराए थे और फिर वो आपको वापस मिल जाते हैं, तो दैट इज नॉट इनकम। हाँ, इस 10,00,000 के ऊपर अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया, जिसको हम एक्रीशन भी बोलते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं तब वो इनकम बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,00,000 डिपॉजिट कराए थे और जब आपको वापस मिले तो वो 11,00,000 मिले, तो हम आपकी इनकम कितनी बनाएंगे? 1,00,000 रुपीज, राइट। तो आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है वो 1,00,000 रुपीज की इनकम हुई है। तो अगर ये अनरिकग्नाइज का पैसा जब विड्रॉ होता है, हर साल इनकम मत बनाइएगा, जब ये पैसा विड्रॉ होगा तभी इनकम बनाइएगा, बट उसके भी चार पार्ट्स करिएगा। फर्स्ट पार्ट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हमारी इनकम नहीं होती, ये सिंपल वैसे ही है जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट ही वापस आ गई है, तो ये आपकी इनकम नहीं होती। बट हाँ, आपने अगर अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न करा है तो दैट इज योर इनकम, ये इंटरेस्ट की इनकम आपकी इनकम होती है, और दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर IFOS, राइट। मैंने अभी स्टैट्यूटरी और RPF बताना शुरू नहीं करा है, राइट नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट URPF। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ओके, तो जब URPF का पैसा मिलता है तो सबसे पहले मैच्योरिटी पर ही टैक्सेबल करिएगा, उससे पहले टैक्सेबल मत करिएगा। मैच्योरिटी पर जितना भी टैक्सेबल करिएगा उसके चार पार्ट आपको करने होंगे, वो आपको एक क्वेश्चन बता देगा कि इस तरीके से ये चार पार्ट में डिवाइडेड है, आप उसको चार पार्ट में डिवाइड करिए। उसमें से जो इंप्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपकी इनकम ही नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट थी जो आपको वापस मिल गई है। बट हाँ, उसके ऊपर जो आपने एक्स्ट्रा पैसा अर्न करा है, इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आपकी इनकम बनती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये पार्ट आपका बनेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, अब दूसरा पार्ट आता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। जो आपको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला, क्या हमने उसको हर साल टैक्सेबल करा था URPF में? आंसर इज नो, हमने उसको हर साल टैक्सेबल नहीं किया था, राइट, क्योंकि हम उसको वेट करते थे कि जब ये एक्चुअली पैसा मिलेगा तभी हम कह सकते हैं हमारा पैसा है, वरना उससे पहले तो वो एम्प्लॉयर लेकर भाग सकता है ये पैसे। तो जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है, जब हमें एक्चुअली मिल गया, अब हम कह सकते हैं हाँ यार, अब ये मेरा पैसा है, अब मुझे ये मिल गया है पैसा, तो नाउ दिस विल बिकम योर सैलरी इनकम। क्यों? क्योंकि आपके एम्प्लॉयर का पैसा, ये एम्प्लॉयर का पैसा है, और इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो भी आपके कौन से इंटरेस्ट है? जो एम्प्लॉयर के पैसे के ऊपर अर्न करा गया, यानी कि ये जो टोटल अमाउंट मिलता है आपको एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ही अमाउंट टैक्सेबल होते हैं अंडर द हेड सैलरी, राइट। क्योंकि ये पैसा, ये इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला? क्या ये IFOS है? नहीं, आपका पैसा नहीं था, ये किसका था? एम्प्लॉयर का। आपको तो पता भी नहीं था, श्योर नहीं थे कि पैसा मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो ये पैसा जो इंटरेस्ट है वो अर्न किया गया है एम्प्लॉयर के पैसों के ऊपर, तो ये वाला पोर्शन पूरा पूरा सैलरी होता है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा URPF, तो मैंने इसको तीन पार्ट्स में बांटा हुआ है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड और URPF। अगर आप URPF देखेंगे, सिर्फ URPF देखिएगा, जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, और इसकी 80C की भी रिडक्शन अलाउड नहीं होती। हम 80C में पढ़ते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड होता है या स्टैट्यूटरी होता है सिर्फ उसी की 80C में मिलता है, URPF तो 80C में मिलता भी नहीं, क्योंकि वो कोई रिकॉग्नाइज्ड फंड तो है नहीं। ओके, जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको हर साल मिलता है, सिर्फ URPF देखिएगा, अभी मैं इन दोनों को बातें थोड़ी देर में करूंगा, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट URPF, ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जब ये मैच्योरिटी पर मिलता है तब टैक्सेबल करेंगे, बट हर साल टैक्सेबल नहीं करते इसको। तो टैक्सेबल है सैलरी इन द ईयर ऑफ एक्चुअल रिसेट, एक्चुअल रिसीव जब होता है तभी टैक्सेबल करेंगे, यानी कि मैच्योरिटी पर, बट
हर साल इसको टैक्सेबल नहीं करते, इट इज नॉट टैक्सेबल एवरी ईयर, ठीक है, इट इज नॉट टैक्सेबल एवरी ईयर। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो भी सैलरी इनकम बनती है, बट कब, जब वो एक्चुअली रिसीव होगी। हर साल नहीं बनाएंगे इसको, तो URPF को तो हर साल कुछ नहीं करते हैं, बट जब ये मैच्योर होता है, जब ये एक्चुअली रिसीव होता है तभी इनकम बनती है। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन वो भी सैलरी इनकम, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट वो भी सैलरी इनकम, और जो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो IFOS की इनकम। जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारी IFOS की इनकम बनती है, बट कब, हर साल नहीं, जब वो एक्चुअली रिसीव होगी तब बनेगी, क्योंकि हमें पता नहीं ना ये पैसा हमें कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब मिलेगा हम तभी इसको इनकम बनाएंगे, ठीक है। तो URPF की टैक्सेबिलिटी समझ गए, सिर्फ मैच्योरिटी पर करते हैं, हर साल नहीं करते हैं। तो टैक्सेबिलिटी ऑन मैच्योरिटी URPF की कब करते हैं, सैलरी इनकम क्या क्या बनेगी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी बनेगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन IFOS बनेगा, और जो सिर्फ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट वापस मिलती है, वो इनकम हमारी नहीं बनती, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर प्रीवियस पेज पे 3.26 पर मैंने लिख भी दी थी। देखो जो पार्ट वन है, पार्ट वन इज एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट एन इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, रादर इट इज एन इन्वेस्टमेंट, रादर वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। पार्ट टू, पार्ट टू ये वाला एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट, ये हमारी इनकम होती है IFOS की। URPF में इसको तब तक टैक्सेबल नहीं करते जब तक वो मिल नहीं जाती है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन वो IFOS की इनकम बनेगी। RPF में कैसे टैक्सेबल करते हैं वो अभी हम देखेंगे। पार्ट थ्री और फोर, ये हमारा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये फोर्थ है एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट कमाया गया इंटरेस्ट, ये दोनों ही पार्ट हमारे सैलरी इनकम होते हैं। URPF में इसको टैक्सेबल करते हैं टैक्सेबिलिटी पर, और RPF वगैरह में हम लोग देखेंगे कि हर साल किस तरीके से इसको टैक्सेबल करेंगे, राइट। तो PPF को मुझे इसमें पढ़ाना नहीं था, क्योंकि सैलरी से लेना देना उसका है नहीं, बट हाँ 80C में जब हम पढ़ेंगे तो PPF में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर 80C में डिडक्शन मिलती है। URPF की टैक्सेबिलिटी आप लोग समझ गए, हर साल हम कुछ नहीं करेंगे एवरी ईयर, बट हाँ जब ये पैसे एक्चुअली रिसीव हो जाते हैं मैच्योरिटी पर, जब रिसीव होंगे तब हम इनकम बनाएंगे। जितनी भी वो पैसे रिसीव हुए उसके चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट टैक्सेबल नहीं होता है, एम्प्लॉयर और का कॉन्ट्रीब्यूशन और उसके ऊपर अर्न किया गया इंटरेस्ट वो हमारा सैलरी इनकम बनेगी, हमारे पैसे के ऊपर अर्न किया गया इंटरेस्ट वो हमारी IFOS की इनकम, करेक्ट। अब मैं बातें कर रहा हूँ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की और रिकग्नाइज प्रोविडेंट। जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारी इनकम नहीं है, वो हमारी सैलरी से ही डिडक्ट होकर एक तरीके से पैसे जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, वो हमारी इनकम नहीं है, वो रादर इट इज एन इन्वेस्टमेंट, और इसकी 80C में भी हम बातें करेंगे 80C में डिडक्शन मिलती है अगर SSC ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहा है, तो न्यू स्कीम में तो मिलती नहीं है। तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल टैक्सेबल करेंगे क्या, नहीं सर, ये तो हमारी सैलरी से ही डिडक्ट होकर जा रहा है वहां पर, तो ये कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, ये तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है जो हम वहां पर कर रहे हैं, ओके। जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये इनकम डीम टू बी रिसीव्ड मानी जाती है। इनकम जो सेक्शन 9 जो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि कुछ इनकम होती है डीम टू अराइज मानी जाती है, ऐसी दूसरी इनकम होती है जो डीम टू रिसीव मानी जाती है। तो जो डीम टू रिसीव वाली इनकम है हम उसमें इस ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि ये पैसे एक्चुअली जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जा रहे हैं, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जा रहे हैं, ये पैसे आपके एक्चुअली अभी तो रिसीव नहीं हुए, बट हाँ इतना पता है कि 100% गारंटी है कि आप ही को मिलेंगे ये पैसे, क्योंकि ये रिकग्नाइज फंड है यहाँ पर, ये स्टैट्यूटरी फंड है यहाँ पर, एम्प्लॉयर अगर चाहे भी तो ये पैसा आपका निकाल नहीं सकता उस फंड से, ये पैसा एक बार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया तो ये पैसा हमेशा के लिए उस एम्प्लॉय का हो गया, ठीक है, या फिर अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसके लीगल एयर्स का हो गया, कुल मिलाकर एम्प्लॉयर का ये पैसा नहीं होता है। तो ये पैसा अभी फिलहाल नहीं मिल रहा आपको, बट एक तरीके से आप ही के अकाउंट एक खुलवाया गया है प्रोविडेंट फंड का अकाउंट, वहां पर ही पैसा ये डिपॉजिट हुआ है और ये हमेशा आप ही को मिलेगा, तो इसको कोई नहीं रोक सकता, तो दिस इज डीम टू बी रिसीव, तो इसके लिए हम इसको हर साल टैक्सेबल करते हुए चलते हैं। बट यस, अगर ये पैसा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन SPF में, जो मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो SPF में पैसा कॉन्ट्रीब्यूट होता है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो देखो एक तरीके से एक्स्ट्रा आपको सैलरी मिल रही है जो एक्चुअली मिल नहीं रही है बट डीम टू बी रिसीव्ड है, राइट, वो आपको मिल जाएगी कभी ना कभी, बट फिर भी ये पैसा हम इसको एग्जेम्प्ट करते हैं। अगर SPF में पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो एग्जेम्प्ट रहता है।
आरपीएफ में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, ये बात आपको एग्जाम में आती है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस वाले पोर्शन पे पूछे जाते हैं। अगर आरपीएफ में पैसा डिपॉजिट हो रहा है जो इंप्लॉयर डिपॉजिट कर रहा है, क्योंकि इंप्लॉयर आपको ओवर एंड अबव योर सैलरी डिपॉजिट कर रहा है, दिस इज ओवर एंड अबव द सैलरी, तो इसको भी हम सैलरी इनकम ही मानते हैं, ये भी हमारी सैलरी इनकम ही होती है। बट यस, इसमें से हमें कुछ एग्जम्पशन मिलती है। कितनी? अप टू 12% ऑफ सैलरी आरबीएस। अब आरबीएस का मतलब क्या हुआ? वही रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट और फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। तो इस साल जितना भी कंट्रीब्यूट करा, तो लेट से मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो 30 ईयर्स का है, अभी 30 ईयर्स का रिटायर नहीं हुआ, 30 ईयर्स का है, वो कहीं पर जॉब कर रहा है, ठीक है, लेट से वो टाटा मोटर्स में जॉब कर रहा है, टाटा मोटर्स उसके हर महीने पीएफ फंड में कुछ पैसे डिपॉजिट करती है। तो प्लीज देखिएगा कि इस साल टोटल टाटा मोटर्स ने कितने पैसे डिपॉजिट करे, उसको कहते हैं एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस साल जितने भी डिपॉजिट करे, फिर इस साल की सैलरी देखिएगा। इस साल की सैलरी का मतलब होता है कौन कौन सी कंपोनेंट? बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, वो देखिएगा, उसका 12% निकालिएगा। तो अगर 12% से ज्यादा है, तो फिर वो एक्सेस टैक्सेबल हो जाता है, अप टू 12% एग्जेम्प्ट है। और यहां पर एक और लिमिट है 7,50,000। अगर 7.5 लाख से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 12% से ज्यादा तो नहीं थे, बट आपकी सैलरी इतनी ज्यादा थी, ठीक है, हम रेगुलर क्लासेस में करते हैं कि 7.5 लाख वगैरह क्यों आया हुआ है, ठीक है, जो एक्चुअली जिनको हाई पेइंग सैलरी मिलती है उन लोगों के लिए ये अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, इस साल की अमेंडमेंट नहीं, पुरानी अमेंडमेंट है। बट यस, अभी आपको प्लीज याद रखना है, अगर वो 7.5 लाख से ज्यादा है तो जितनी भी ज्यादा है वो टैक्सेबल हो जाएगी एज सैलरी, राइट। तो दो लिमिट याद रखिएगा, 12% ऑफ आरबीएस और 7,50,000, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है तो फिर वो हमारी सैलरी इनकम बन जाती है, राइट। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर वो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट, तो अगर वो स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी में तो ज्यादातर चीजें एग्जेम्प्ट रहती हैं, तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहेगा ये इंटरेस्ट। बट अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट है, तो उसका अगर इंटरेस्ट का रेट 9.5% या उससे कम है तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, बट अगर इंटरेस्ट का रेट 9.5% से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना टैक्सेबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10% मिला, तो 9.5% कितना ज्यादा है? 0.5%, तो वो 0.5% टैक्सेबल हो जाता है, राइट। याद आ गया ये वाली बातें। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, जो इंप्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पहले जनरली एग्जेम्प्ट रहता था, बट 2001 के बाद यहाँ पर चेंज, 2021 के बाद यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं थोड़े बहुत, ठीक है। वो चेंजेस क्या आते हैं मैं भी समझाता हूँ। जो इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, स्टैट्यूटरी फंड प्रोविडेंट फंड में पहले वो जनरली एग्जेम्प्ट रहता था, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी वही बातें होती थी, 9.5% से एक्सेस है तो जो एक्सेस होता था वो टैक्सेबल करते थे। बट यहाँ पर 2021 से एक और चेंज आया, वो दोनों के लिए, ठीक है, एसपीएफ के इंटरेस्ट के लिए भी जो इम्प्लॉय का इंटरेस्ट है, और आरपीएफ के लिए भी, इफ द इम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन 2.5 लाख, अगर जो इम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इस फंड में, आई एम सो सॉरी, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो हर साल कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंप्लॉय, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो जितना वो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसके ऊपर अर्न किया गया इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है हर साल फंड में, स्टैचुटरी में या रिकग्नाइज में, दोनों में सेम ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपीज, वो 3 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं, जो 50,000 वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक्सेस अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख, 50,000 लेट से, तो 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न किया गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो लिखा हुआ, हाउएवर इफ द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 2.5 लाख इन अ ईयर, देन इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, उस लेट से मैंने एग्जाम्पल लिया 3 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉय, तो 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा, ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर 50,000, तो 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं, 50,000 तो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर अर्न किया गया इंटरेस्ट वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा एज आईएफएस। किस साल हो जाएगा? इसी साल हो जाएगा, हर साल करते हुए इसको चलिएगा, ठीक है। दिस प्रोविजन वॉज इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021, उससे पहले प्रोविजन नहीं थे, ये 1/4/2021 के बाद ये प्रोविजन आए। दूसरा, कभी कभी हम ये 2.5 लाख की लिमिट को इंक्रीज करके 5 लाख भी ले लेंगे, अगर इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उस केस में फिर ये लिमिट हम 2.5 लाख नहीं देखेंगे, उस केस में फिर हम लिमिट 5 लाख रुपीज देखेंगे, ठीक है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो फंड ने इंप्लॉयर नहीं बनाए थे, आरपीएफ या एसपीएफ वगैरह, तो इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है। पेंशन स्कीम, अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल बातें हैं बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली बातें यहाँ पर क्यों लिखी हैं कि सर इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। इंप्लॉयर तो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए क्योंकि ये इंप्लॉयर ने बनाया। इंप्लॉयर एक्चुअली इसलिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता प्रैक्टिकली क्योंकि आज पेंशन स्कीम्स भी आ गई है, तो कुछ इंप्लॉयर्स क्या करते हैं वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाते हैं जहां पर इंप्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन तो डिपॉजिट होता रहता है बट जो इंप्लॉयर है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में डिपॉजिट होता रहता है, तो इसलिए वो कभी कभी वो पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो उस केस में अगर ऐसा कभी सिनेरियो हो जहां पर वो पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो वहां पर ये 2.5 लाख ना देख के 5 लाख देखना है, बट वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ बस ये याद कर लीजिएगा अपने एग्जाम्स के लिए, 2.5 लाख लेने हैं हमें लिमिट, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो अर्न किया गया इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो इस 2.5 लाख की जगह 5 लाख आपको लेना होता है। ओके, टैक्सेबिलिटी ऑन मैच्योरिटी, देखो जब एसपीएफ का पैसा मैच्योरिटी पर मिलता है तो एसपीएफ तो मेनली ज्यादातर एग्जेम्प्ट रहता है, तो ये तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। आरपीएफ का पैसा जब मैच्योरिटी पर मिलता है तो क्या टैक्सेबल करेंगे? आंसर इज नो। देखो हर साल तो टैक्सेबल कर रहे थे ना, जितना भी पैसा डिपॉजिट हो रहा था इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था उससे 12% से एक्सेस हम टैक्सेबल करते हुए चल रहे थे, या 7.5 लाख से एक्सेस तो टैक्सेबल करते हुए चल रहे थे। इंटरेस्ट का पैसा भी अगर 9.5% से ज्यादा का इंटरेस्ट रहता तो भी टैक्सेबल करते हुए चल रहे थे। तो आरपीएफ का भी पैसा जब मैच्योरिटी पर मिलता है तो जनरली ये भी एग्जेम्प्ट होता है, बट ये जनरली एग्जेम्प्ट होता है। बट हाँ, यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर आप 5 साल से पहले जो आपका आरपीएफ शुरू हुआ था वो अभी उसको 5 साल पूरे नहीं हुए, आप उससे पहले ही विड्रॉ कराने लगे। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है फॉर एग्जांपल इंप्लॉय ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा था और वहां से वो रिजाइन कर देता है और वो अपना पैसा वो विड्रॉ करा लेता है। अगर वो पैसा विड्रॉ करा लेता है तो अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ करा लेते हैं अपना पैसा तब ये टैक्सेबल हो जाता है, राइट? तब ये टैक्सेबल हो जाता है। बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दे दी कि अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कराते हो, कभी कभी क्या होता है फॉर एग्जाम्पल किस एम्प्लॉई काम कर रहा था लेट से टाटा मोटर्स में, दो उसने 5 साल से पहले वो टाटा मोटर्स छोड़ दी, फिर बाद में उसने टाटा मोटर्स को छोड़कर बजाज ज्वाइन कर ली, तो उस केस में उसका पीएफ क्या होता है वो ट्रांसफर हो जाता है बजाज में। तो अगर फॉर एग्जांपल उसने 5 साल से पहले वो विड्रॉ तो नहीं कराया बट उसने ट्रांसफर करा लिया कहीं और, तो भी फिर हम टैक्सेबल नहीं करते, उसको माना जाता है कि आपने विड्रॉ नहीं कराया, फिर हम टैक्सेबल नहीं करते, ठीक है, हम मानते हैं कि मैच्योर नहीं हुआ। दूसरा केस होता है कि कभी कभी हमें 5 साल से पहले वहां से पैसा निकालना पड़ता है क्योंकि हमने वो जगह छोड़ दी है, रीजन बीइंग अब वहां पर एम्प्लॉय वो काम नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का कुछ एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, या एम्प्लॉय के साथ कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो गए हैं कि वो चाहकर भी वहां पर काम नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, कि वो कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाए जो उसके कंट्रोल से बाहर थे, जैसे कि वो कंपनी ही बंद हो जाए, या उसकी वो डिवीजन शटडाउन हो जाए, ऐसे केसेस में भी हम 5 साल से पहले अगर पैसा वहां से बाहर निकालेंगे तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो मैंने लिखा है कि जनरली एग्जेम्प्ट होता है बट कभी कभी अगर आप 5 साल से पहले उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो टैक्सेबल हो जाता है। बट उसकी भी कुछ कंडीशन ये है कि अगर इल हेल्थ या एक्सीडेंट के कारण अगर एम्प्लॉय ये पैसा वापस निकाल रहा है तब उसको टैक्सेबल नहीं करते, या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस या उसकी कोई यूनिट शटडाउन हो जाती है तब ऐसा नहीं करते, या फिर एनी अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, कुछ ऐसा हो जाए कि उसको उसने जानबूझ के वो कंपनी नहीं छोड़ी थी बट उसको छोड़नी पड़ी, अब कुछ ऐसा हो गया है इस तरह के सर्कमस्टांसेस अगर ऐसे हो गए और वो जस्टिफाई करता है तो फिर भी हम उसको टैक्सेबल नहीं करते, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा समझना और अच्छे समझिएगा, ईजी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज नोट, देयर आर टू परक्विजिट्स विच आर रिलेटेड टू आरपीएफ, 17-7 और 17-7A। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है नंबर से याद करना बट हाँ आपको इसके प्रोविजंस पता होने चाहिए। देखो 17-7 क्या था, 17-7 मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, आपको नंबर याद नहीं होगा बट मैंने अभी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है, आपको याद आ जाएगा जब मैं आपको इस प्रोविजन बताऊंगा। मैंने आपको ये कहा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा एम्प्लॉयर हमारे सुपर एनुएशन फंड में, ठीक है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, पैसे डिपॉजिट कराता है तो वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं, बट अगर वो 7.5 लाख से ज्यादा कराता है तो टैक्सेबल हो जाते हैं, ठीक है, 7.5 लाख से ज्यादा कराता है तो टैक्सेबल हो जाते हैं। और मैंने यहां पर ये कहा था उस समय जब मैं परक्विजिट्स आपको पढ़ा रहा था, मैंने कहा था जब प्रोविडेंट फंड की बातें आएंगी तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इसकी बातें। तो हमारा जो परक्विजिट है सेक्शन 17-7
सॉरी मैंने एट लिख दिया, सेवन, 17 × 7 ये जो परक्यूजेट है हमारा, ये कहता है, एक सेकेंड इसको मैं ठीक से कर दूं, ओके, ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है या तो अप्रूव्ड, तीन चीजें आती हैं यहां पर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन का मतलब होता है रिटायरमेंट, या फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू न्यू पेंशन स्कीम। अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इन तीनों को कॉन्ट्रीब्यूशन को मिलाकर, एम्प्लॉयर जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और ये तीनों आपस में शेयर करते हैं ये लिमिट, अगर वो 7.5 लाख रुपीज से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जितना भी वो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, जितना भी वो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा अप टू 7.5 लाख एक्सेप्ट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं, ये CFO हैं, ठीक है, ये CFO हैं, मान लेते हैं वो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में TCS में ये काम करते हैं, एंड ही इज अ CFO, मिस्टर इज अ CFO, इनकी काफी अच्छी सैलरी है, और TCS यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इनकी सैलरी का, लेट्स से इनकी बेसिक सैलरी का 10% इन RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, मान लेते हैं SAF नहीं है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी सॉरी सुपर एनुएशन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड नहीं है, या फिर न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, मान लेते हैं वो सिर्फ RPF में कंट्रीब्यूट करता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, मान लेते हैं इस एम्प्लॉय को DA वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है, कमीशन नहीं मिलती है, बेसिक सैलरी है इनकी, बाकी अलाउंसेज हैं बट DA वगैरह नहीं है, ओके, बेसिक सैलरी का 10% RPF में कंट्रीब्यूट करता है। इस मिस्टर ए की बेसिक सैलरी कितनी है, तो पता चला कि मिस्टर ए की जो बेसिक सैलरी है, बिकॉज ही इज अ CFO, इनको काफी अच्छी सैलरी मिलती है, वो है फॉर एग्जांपल 90 लाख रुपीस, वो एग्जांपल फॉर एग्जांपल 90 लाख रुपीस है, और प्लीज बताइए TCS कितना कंट्रीब्यूट करता है, बेसिक सैलरी का 10%, यानी कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 9 लाख का 90 लाख का 10%, दैट इज 9 लाख रुपीस, ये क्या है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि RPF में हम ये भी देख रहे थे कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो हर साल टैक्सेबल कर देते हैं, बट कितना, जितना वो कंट्रीब्यूट करा, उसने कंट्रीब्यूट करा फॉर एग्जांपल इस केस में 9 लाख रुपीस, बट इसमें से एग्जेम्प्ट कर देते हैं, लेस एग्जेम्प्ट करते हैं 12% ऑफ सैलरी, और मैंने कहा था 7.5, ठीक है, इसको भी देखिएगा विच एवरेज लोअर, इतना एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अब प्लीज मुझे बताइए 12% ऑफ सैलरी का मतलब क्या हुआ, 12 सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। मैंने सिंपलिसिटी के लिए बोल दिया था आपको कि इनको मान लेते हैं डीए नहीं मिलता है और कमीशन भी नहीं मिलती है, तो बेसिक सैलरी इनकी सैलरी वाली बन जाएगी, तो 12% ऑफ सैलरी, तो मान लेते हैं यही बेसिक सैलरी है, तो इसका 12% बन जाएगा 10,80,000, ठीक है ना, 10,80,000 बन जाएगा, और 7.5 लाख विच एवर इज लोअर 7.5 लाख, देखो 12% से भी कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10% ही कर रहा है, बट फिर भी हम टैक्सेबल कर देंगे, रीजन बीइंग क्या है टैक्सेबल करने का, 7.5 लाख से ज्यादा है, इसीलिए ये वाली अमेंडमेंट लाई गई थी उस समय, क्योंकि जो जिनको हाई पेइंग सैलरी मिलती है वो जनरली क्या करते थे, वो टैक्स प्लानिंग इस तरीके से कर रहे थे कि 12% अपना कंट्रीब्यूट करा लेते थे टुवर्ड्स RPF, और 12% इनका इतना ज्यादा चंक बन जाता था और वो पूरा पूरा एग्जम्प्ट हो जाता था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने चेंज किया, गवर्नमेंट ने करा बॉस 7.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट कराओगे तो हम टैक्सेबल कर देंगे, तो अब क्या होगा, इनका हर साल 1.5 लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, 1.9 लाख माइनस 7.5 लाख, 1.5 लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये होता है 17 × 7। तो यहाँ पर लिखा हुआ था द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन RPF NPS मतलब न्यू पेंशन स्कीम या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अगर वो इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख है तो टैक्सेबल कर देते हैं, तो बाय द एम्प्लॉयर टू द एक्सटेंट इट एक्सीड 7.5 लाख से ज्यादा है तब हम इसको टैक्सेबल कर देते हैं। क्लियर है, ये तो था 17 × 7, नो नीड टू रिमेंबर दैट नंबर, बट 7.5 लाख वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है 17 × 7 एनुअल एक्रीशन, जहां पर आप लोगों ने जब अपनी रेगुलर क्लास
करते हैं तो ये फॉर्मूला आपके सामने आता है। ये फॉर्मूला को मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअली ये फॉर्मूला है क्या, ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है ये, जरा इसको समझिएगा। लेट्स से देखिए, ये होता है एनुअल एक्रीशन। एनुअल एक्रीशन का मतलब होता है कि कितना आप एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न करते हैं। तो 17(7)(a) ये बोलता है जो आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है 7.5 लाख रुपीज से ज्यादा, उसको तो आप टैक्सेबल करेंगे प्लस उस अमाउंट के ऊपर जो आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा डिविडेंड, मेनली एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, तो जितना आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं हम उसको भी टैक्सेबल करेंगे। अब देखिए उसको समझिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स, और ये काफी हाई पेइंग सैलरी इनको मिलती है, और हर मंथ इनका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, लेट्स से इनका एम्प्लॉयर है इन्फोसिस लिमिटेड में, ये काफी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है, लेट्स से ये इनके सीईओ सीएफओ टाइप पोस्ट पर है, और इनको हर महीने को सैलरी मिलती है, और हर मंथ इन्फोसिस इनका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, इजी बातें हैं बिल्कुल, इनके रिकॉग्नाइज फंड में हर साल, लेट्स से दिस इज प्रीवियस ईयर 23-24, हर साल अप्रैल मई जून जुलाई सो ऑन, लेट्स से फरवरी मार्च, हर साल इनके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 1 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन्फोसिस। वी कॉल इट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, 1 लाख रुपीज एंड सो ऑन, ठीक है। मुझे प्लीज बताइएगा टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूट हो गया, टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूट हो गया सर, हर साल 1 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, हर महीने 1 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि पूरे साल में कॉन्ट्रीब्यूट हो गए 12 लाख, पूरे साल में 12 लाख रुपए कंट्रीब्यूट हो गए। सबसे पहले तो हम बोलेंगे बॉस 7.5 लाख से ज्यादा है, 7.5 लाख से ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर, 12-7.5 यानी कि 4.5 लाख रुपीज, 4,50,000 रुपए। तो सबसे पहले तो हम इनके 4,50,000 रुपीज टैक्सेबल कर देंगे, विच इज इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, ये तो टैक्सेबल करेंगे। साथ साथ में लॉ ये कहता है, जो हमारा ये सेक्शन है 17(2)(7)(a), नो नीड टू रिमेंबर, अगेन आई एम सेइंग नो नीड टू रिमेंबर दिस नंबर, बट हाँ इसके प्रोविजंस पता होने चाहिए। वो ये कहता है कि जितना आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एनी इनकम हो सकता है, जो भी आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो उसको भी हम टैक्सेबल करेंगे। अब प्लीज मुझे बताइएगा, ये जो पैसा कॉन्ट्रीब्यूट होता है, हर महीने कॉन्ट्रीब्यूट हुआ, अप्रैल में कॉन्ट्रीब्यूट हुआ, कहीं किसी ना किसी अकाउंट में डिपॉजिट हुआ होगा, वहां पर इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे होंगे, मई में कंट्रीब्यूट हमने फिर किया, जून में फिर किया, और इतना अमाउंट हमने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, एक्स्ट्रा कितना कंट्रीब्यूट करा, अबाउ 7.5 लाख, 4.5 लाख, इसको तो हम टैक्सेबल करेंगे, बट इसके ऊपर अर्न की गई इनकम को भी टैक्सेबल करेंगे। तो ये कहता है हमारा जो 17(2)(7)(a) कहता है कि हम आपका कितना टैक्सेबल परक्यूजिट बनाएंगे, इसको बोलते हैं टीपी, टीपी मतलब टैक्सेबल परक्यूजिट हम आपको कितना बनाएंगे, जितना भी वो एक्सेस कंट्रीब्यूट हुआ उसके ऊपर जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया, तो कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट हुआ सर, 4,50,000 जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट हुआ उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। अब देखो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एक गलती हो गई हमसे, क्या गलती हो गई, हमने क्या करा, ये जो इंटरेस्ट रेट है, लेट से वहां का इंटरेस्ट रेट लेट से 9% है, ठीक है, 9% है, तो हमने उस 4,50,000 के ऊपर पूरा 9% पूरे साल का लगा दिया। अब प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ये जो कंट्रीब्यूट हो रहा है, साल के शुरू में हुआ था 1 लाख, फिर 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, अगर आप एक्स्ट्रा देखोगे तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा था, 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 यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, राइट, शुरू में जीरो था, लास्ट में बहुत ज्यादा हो गया, तो जब भी अगर पूरे साल में अगर कंट्रीब्यूट हो रहा है तो 4.5 लाख तो पूरे साल का मिलाकर एक्स्ट्रा हुआ ना, वो तो हमने एंड में जाके पता चला 4.5 लाख एक्स्ट्रा था, राइट, और थोड़ा थोड़ा तो हर एक में से आ रहा था, तो इसका मतलब हमें ये 4,50,000 पूरे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, हमें इसका एवरेज लेना चाहिए, जैसे कि ओपनिंग जीरो था, लास्ट में 4.5 लाख था, उसका एवरेज लेना चाहिए, 0, 4.5 लाख का एवरेज कितना, वो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2,25,000 होगा, मतलब ऑन एन एवरेज ये टूल पूरे साल का अगर हम इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं तो एवरेज के ऊपर लगाएं,
ठीक है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट जितना भी एक्सेस कंट्रीब्यूट था वो फर्स्ट डे नहीं हो गया था, वो धीरे धीरे कंट्रीब्यूट हो रहा था। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बट प्लीज मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूला याद ना करें, प्लीज उसको समझें, इससे आप गलती नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए जितना भी एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट हुआ था उसका ऑन एन एवरेज लें, क्योंकि इस साल ये 4.5 लाख जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट हुआ था वो फर्स्ट डे नहीं हो गया था, वो धीरे धीरे आ रहा था हमारा। तो हमें क्या करना चाहिए, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 2, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इस टू इंटरेस्ट रेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे इस फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट। अगर आप देखेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे अपने फॉर्मूले से, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, टैक्सेबल परचेस से टीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2 इनटू आर, ये याद कर रहे होंगे आप, पीसी अपॉन 2 इनटू आर, आर का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट या जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न है, तो इसको रेट बोल रहे हैं। तो हमने क्या लिखा यहां पर, इसको इंटरेस्ट रेट, आर को हमने इंटरेस्ट रेट रखा, पीसी अपॉन 2, पीसी को क्या लिखा 4.5 लाख, क्या चीज था ये 4.5, सर जो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन था इस साल का, दैट इज कॉल्ड पीसी। तो यहां पर अगर आप पीसी देखेंगे तो पीसी डिफाइंड होता है, ये बिल्कुल आपके, मैंने स्टडी मटेरियल से लिया ये सारी वैल्यू, ये सारे का सारा ये टर्मिनोलॉजी है पूरे स्टडी मटेरियल की टर्मिनोलॉजी, और इनफैक्ट लॉ की भी टर्मिनोलॉजी है ये भी स्टडी मटेरियल ने कहां से लिया है, वो लॉ से लिया हुआ है, सेम टर्मिनोलॉजी वो यूज करते हैं। तो पीसी अपॉन 2, पीसी क्या होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, प्लीज बताइए एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, 12 लाख पूरे साल का, इन एक्सेस ऑफ 7.5 कितना था सर, 4.5, दैट इज कॉल्ड पीसी, राइट। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख इन द करेंट प्रीवियस ईयर, और डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ गया डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि ये पूरे साल फर्स्ट डे, साल के फर्स्ट डे ही पूरा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो हम उसको एवरेज ले लेते हैं, पीसी अपॉन 2 इंटू आर, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब प्लीज मुझे बताइएगा, जब आपने इस साल इंटरेस्ट अर्न किया होगा, क्या सिर्फ इसी साल के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर किया होगा, या हो सकता है कि ये जो मिस्टर एक्स हैं ये लास्ट ईयर भी सीएफओ या सीईओ वगैरह होंगे इस कंपनी के, तो लास्ट ईयर भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इस ईयर से पहले भी ये इस कंपनी में काम कर रहे थे, और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वहां पर भी 1 लाख 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट होते होंगे हर महीने, मान लेते हैं लास्ट मंथ की भी सैलरी इनकी ऑलमोस्ट इतनी थी, तो वहां पर भी 1 लाख 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट होते होंगे, तो लास्ट ईयर भी 12 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट हुए होंगे, करेक्ट, और वो भी इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख होंगे, यानी कि लास्ट ईयर भी 4,50,000 रुपीज एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, तो 4.5 लाख को तो हमने लास्ट ईयर भी टैक्सेबल किया होगा, हाँ सर, इस साल भी टैक्सेबल किया क्योंकि इस साल भी एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, पर प्लीज बताइए जब आपने इंटरेस्ट अर्न किया होगा तो क्या सिर्फ इस साल के जितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है इस फंड में सिर्फ इतना इंटरेस्ट अर्न किया होगा, या जो ओपनिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट अर्न करा होगा, हाँ सर ये भी अमाउंट पर इंटरेस्ट अर्न किया गया होगा। ठीक है, तो ये इस साल जो आप इंटरेस्ट अर्न करा होगा, तो ये तो इतना पार्ट जो आपका मैंने आधा पार्ट कराया इस फॉर्मूले का, वो तो आपका इस साल का इंटरेस्ट था, साथ साथ में आपको ये लेना है जो हमारे पास ओपनिंग पे पैसे होंगे और वो भी एक्सेस होंगे कुछ ना कुछ, उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट अर्न किया गया होगा ना, तो इस 4.5 लाख के ऊपर भी, इस 4.5 लाख के ऊपर भी जो लास्ट ईयर का, एक्चुअली ये लास्ट ईयर का अमाउंट था, उसके ऊपर भी तो आपने इंटरेस्ट अर्न किया होगा, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें प्लस करना चाहिए, जो लास्ट ईयर का अमाउंट होता था, जो लास्ट ईयर का अमाउंट होता था, और फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट ईयर का था, और हो सकता था कि एसएससी उससे भी लास्ट टू लास्ट ईयर भी कंट्रीब्यूट करा होगा, उसने उसका भी एक्सेस होगा, तो जितना भी प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग ईयर्स का एक्सेस था, हम उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट लगाने वाले हैं। अब प्लीज मुझे बताइए, उसके ऊपर क्या हम अपॉन 2 करें, एवरेज करें, या उसके वो तो पूरा का पूरा हमारे ओपनिंग बैलेंस में ही होगा सर, वो तो साल के शुरू में ही होगा, तो उसको हमें अपॉन 2 नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो प्रीसीडिंग ईयर का एक्सेस था उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे। ठीक है, और एक स्टेप में अब और आगे जा रहा हूं, तैयार है आप मेरे साथ जाने के लिए एक स्टेप और आगे? ठीक है, एक स्टेप में और आगे जा रहा हूं, और ये मुझे लगता है आप आराम से समझ सकते हैं। देखिएगा, ठीक है, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं कि समझा ना सके, हम तो सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप सब कुछ समझ सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है, प्लीज मुझे बताइए, एक स्टेप और नीचे जा रहा हूं मैं, एक स्टेप में और आगे ये जा रहा हूं कि जो लास्ट ईयर इंटरेस्ट, जो एक्सेस अमाउंट अर्न किया गया होगा, उसके ऊपर कुछ लास्ट ईयर भी तो इंटरेस्ट अर्न किया होगा ना, क्योंकि ये जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस कौन कौन सा होगा, जितना
एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है या एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सिर्फ वो वाला ओपनिंग बैलेंस होगा या उसका इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता रहता है? सर कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता रहता है, यानी कि आपने लास्ट ईयर भी कुछ इंटरेस्ट अर्न किया गया होगा, उससे पहले भी कुछ इस एक्सेस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया होगा, वो भी मेरे ओपनिंग बैलेंस में होगा, यानी कि उसके ऊपर भी जितना आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं अब तक, वो भी हम लोग ले लेंगे, वो भी हम लोग ले लेंगे, यानी कि इस साल जो आप टोटल जो आपने इस साल इंटरेस्ट अर्न किया होगा, जितना करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट अर्न करा ही होगा। करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन हमने कितना लिया, जितना 7.5 लाख से एक्सेस था बट डिवाइडेड बाय 2 करके, मतलब एवरेज लेकर, बट साथ साथ में जो मेरे ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस में जितना भी लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, उससे पहले ईयर, जितना भी मैं एक्सेस अमाउंट, एक्सेस ऑफ 7.5 लाख होता था उसके ऊपर इंटरेस्ट, प्लस उस एक्सेस के ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न किया गया था, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न किया गया होगा उसके ऊपर भी मैं रेट लगा दूंगा। ठीक है, तो देखिए दो चीजें इसमें और ली है मैंने, जो हर साल का हम एक्स्ट्रा अमाउंट और उसके ऊपर का इंटरेस्ट वाला पोर्शन के ऊपर भी हमने रेट लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये इंटरेस्ट कितना अर्न किया गया होगा, ये हर साल हमारा 17-7A में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये उस एक्सेस के ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया गया होगा। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है इसलिए इसको यहीं पर रख रहा हूं मैं। अब देखिए इस तरीके से फॉर्मूला बना, तो पीसी अपॉन 2/R मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट, करंट ईयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट, और PC1 होता है जितना आपने लास्ट ईयर एक्स्ट्रा अमाउंट कंट्रीब्यूट करा, उससे लास्ट ईयर कितना कंट्रीब्यूट करा। अब बट क्योंकि ये वाली जो अमेंडमेंट आई थी वो 2020 में आई थी, तो 2020 से पहले नहीं जाते हम लोग, 2020 एंड ऑनवर्ड्स वाली अमाउंट लेते हैं जितना हमने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करा होगा, प्लस TP1 का मतलब क्या होता है, जो लास्ट हर साल जो परक्यूजिट बना होगा, हर साल परक्यूजिट क्या बना होगा, जो भी एक्सेस अमाउंट कंट्रीब्यूट करते होंगे वो हर साल परक्यूजिट बना होगा आपका, तो उसको और ऐड करिएगा, उसके ऊपर रेट लगा दीजिएगा। तो इसलिए आता है PC1 प्लस TP1। आई बिलीव थोड़ा थोड़ा आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो रहा है। देखो PC1 क्या होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बट हाँ, बहुत पीछे मत जाइएगा, इन्होंने एक डेट दी है 1 अप्रैल 2020, क्यों, क्योंकि अमेंडमेंट 2020 से आई थी, उससे पहले नहीं जाना है आपको, 2020 और पीछे तक आना है। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं देगा, हो सकता है बस पिछले 1-2 साल का देगा आपको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल पीछे का देगा। और TP1 क्या है, एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट, जो हर साल हमारा टैक्सेबल परक्यूजिट बनता था। ठीक है, क्योंकि वो भी आपके अब ओपनिंग बैलेंस में होगा, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आर क्या है, इंटरेस्ट रेट, आर क्या है, इंटरेस्ट रेट। अब कभी कभी या तो इंटरेस्ट रेट गिवन होगा या कभी कभी हमें निकालना पड़ेगा, तो आर को भी डिफाइन करा गया। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कैसे निकालते हैं, आई अपॉन FAVG। FAVG कुछ नहीं होता, सिंपल ये कहता है, मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है, मुझे प्लीज सिर्फ इतना बता दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ओपनिंग बैलेंस किसी भी फंड का, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस किसी भी फंड का लेट से 5 लाख रुपीज है और इसका क्लोजिंग बैलेंस लेट से 7 लाख रुपीज है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज है, क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख रुपीज है, और ड्यूरिंग द ईयर भी आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया था, और आपने इसके ऊपर अर्न किया है, लेट से इस साल इसके ऊपर अर्न करा गया है लेट से 70,000 रुपीज, तो प्लीज मुझे बताइए आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। तो सिंपल सर, जो मैंने अर्न किया 70,000 रुपीज, इसको कहते हैं एक्रीशन, ये जितना मैंने अर्न किया, कितने अमाउंट के ऊपर अर्न किया गया होगा, सर ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख, बीच बीच में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट भी हुआ, क्लोजिंग हो गया 7 लाख रुपीज, यानी कि जो 70,000 मैंने अर्न करे गए होंगे क्या 5 लाख के ऊपर अर्न करे होंगे, नहीं सर, बीच में कॉन्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, क्या 7 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूट करे होंगे, नहीं सर, ओपनिंग तो 5 लाख था, ड्यूरिंग द ईयर भी कुछ कंट्रीब्यूट हुआ, तो हम क्या करते हैं इसका एवरेज ले लेते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा इस पूरे साल में, तो इस साल में रहा होगा 6 लाख रुपीज। कैसे करा मैंने, 5 लाख प्लस 7 लाख होल अपॉन 2, 6 लाख करा, तो 70,000 मैंने अर्न करे हैं 6 लाख के ऊपर, तो प्लीज मुझे बताइए ये रेट ऑफ रिटर्न नहीं बता सकते आप मुझे, सिंपल है सर, 70,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख ये आ जाएगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो पॉइंट्स के फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है, एग्री है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा इंटरेस्ट हुआ जितना मैंने अर्न करा, 60,000 क्या हुआ हमारे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का एवरेज, इतना मैंने ऑन एन एवरेज किया। एक फॉर्मूला होता है ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और कभी कभी आप लोग क्या लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपनी एवरेज कैपिटल, तो सेम कंसेप्ट यहां पर लग रहा है। तो देखिए यहां पर आर कैसे निकालेंगे, आई अपॉन एफएवीजी। तो आई क्या है, जितना आपका एनुअल एक्रीशन हुआ करंट प्रीवियस ईयर में, एनुअल एक्रीशन मतलब कितना इस साल आपने एक्स्ट्रा अर्न किया, डिवाइडेड बाय ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस होल अपॉन टू, मतलब ऑन एन एवरेज एवरेज कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले बन रहे हैं, आपको लगेगा ठीक है आपने सीखा होगा अरे ये इतना बड़ा फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे, तो कोई कुछ फॉर्मूले में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप ये समझ जाइए ये डिराइव कैसे होते हैं फॉर्मूले। तो सबसे पहले तो करंट ईयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट, करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन को डिवाइड बाय टू करेंगे जितना भी एक्सेस है, डिवाइड बाय क्यों टू क्यों करा सर, ये कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे हमने एक्यूमुलेट करा था, और इसको डिवाइड बाय टू क्यों नहीं करा सर, ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था उसके ऊपर हमने पूरा रेट ऑफ रिटर्न लगा दिया। सो ये एक इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब आपको पता है कि डिफेंस में स्कीम आई है अग्निवीर, अग्निवीर स्कीम आई है जहां पर वो कहते हैं कि मिनिमम एज 17 है ठीक है, कि यहाँ पर जो यूथ हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं 5 साल के लिए, उनको वो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स को सर्व कर सकते हैं और हम उनको कुछ सैलरी देंगे, और जब वो 5 साल के बाद यहाँ से रिटायर हो जाएंगे उसमें से कुछ 25% लोग रिटेन भी होते हैं। ये सब अग्निवीर स्कीम है, आपको स्कीम के रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो आप आराम से गूगल वगैरह पर सर्च कर सकते हैं। बट हमारे एग्जाम्स के लिए रिलेटेड क्या चीज़ होता है, हमारे एग्जाम के रिलेटेड ये है कि वहाँ पर स्कीम में ये कहा गया है कि हम आपको जितनी भी सैलरी देंगे हर मंथ उसका कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेंगे टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। ठीक है, अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी और जो एम्प्लॉय है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, और इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी अर्न होगा। तो जब ये आपको पैसे मिलेंगे लगभग 10-11 लाख रुपये हो जाएंगे आपके 5 साल के बाद, एक अच्छा खासा अमाउंट है, इससे चाहे तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कुछ और आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑन एंड आउट इट्स अ वेरी गुड स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जितना भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, जितना भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है वो हमारी इनकम बन जाती है, वो हमारी इनकम बन जाती है, वो हमारी सैलरी का पार्ट बनेगा। इट इज सेम थिंग लाइक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो जितना भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है वो हमारी इनकम बनेगी, प्लीज ग्रॉस सैलरी का पार्ट बना दीजिएगा उसको। बाद में हम लोग डिडक्शन में पढ़ते हैं, उसके लिए एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ इस साल 80CCH। तो उसमें 80CCH में जितना भी गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करा, मतलब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा, उसकी बाद में डिडक्शन भी मिलेगी, वो हम अपने 80CCH में डिडक्शन के चैप्टर में देखेंगे। इसमें दो डिडक्शन मिलती है, 80CCH1, 80CCH2। 80CCH1 होती है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जितना उसने एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा वो भी उसकी इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कम से कम 5 साल के लिए। तो 80CCH1 में उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिलती है, 80CCH2 में जो डिडक्शन मिलती है वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो CCH2 है वो न्यू स्कीम में भी एप्लीकेबल है, अगर आप डिफॉल्ट स्कीम ले रहे हैं तो CCH2 हमारी दोनों स्कीम में एप्लीकेबल होगा, बट CCH1 सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में होता है। तो ये बातें हमें लोग पढ़नी है अपने डिडक्शन के चैप्टर में। तो सिर्फ एक छोटी सी बात आपको देखनी है कि जितना भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है पहले उसको ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाइएगा, और फिर बाद में उसकी डिडक्शन भी मिलती है CCH1 और CCH2 करके। CCH2 इज ओनली फॉर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बातें हम आप लोग अपने डिडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट, ओके, थोड़ी बातें और बची हुई हैं, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और VRS, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू नेवर नो कि क्या पूछ लिया जाए एग्जाम में। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर मिलता है तो लीस ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा, कितना, जितना एक्चुअल रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिला और ₹5 लाख, प्लीज 5 लाख वाली अमाउंट याद रखिएगा, ये आपके MCQ में आ सकती है, और ₹5 लाख। थर्ड होता है 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट ईयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, इन एक्सेस 6 मंथ मतलब 6 मंथ से अगर ज्यादा है तो आप उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा नेक्स्ट डिजिट पर। ठीक है, 6 मंथ या 6 मंथ से कम है तो वो पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर कर दीजिएगा, सिर्फ कंप्लीट ईयर लीजिएगा उस केस में, मतलब फिर राउंड ऑफ नहीं करना। एवरेज सैलरी में लास्ट 3 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी में क्या करना होता है रिट्रेंचमेंट में, बेसिक सैलरी, DA पूरा का पूरा, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एंड परक्यूसेट, बट इट डज नॉट इंक्लूड बोनस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स और ग्रेजुएटी को इंक्लूड मत कीजिएगा। ऑल्दो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट फिर भी यू नेवर नो कि कब पूछा जा सके, अगर आ जाए तो प्लीज वो कर दीजिएगा,
मैक्सिमम 5 लाख की डिडक्शन यहां पर मिलती है और 15/26 ऑलमोस्ट सेम है जैसे ग्रेच्युटी वाले लोग कवर्ड थे 15/26 यहां पर भी सेम है 15/26 लास्ट 3 महीने की सैलरी का एवरेज क्या क्या लेना है उसमें बेसिक सैलरी डीए ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स बट उसमें बोनस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स ग्रेच्युटी वगैरह नहीं लेने होते। सिमिलरली वीआरएस का पैसा अगर कोई इंप्लॉय है वो जल्दी रिटायर हो जाता है जल्दी रिटायरमेंट ले लेता है तो उस केस में भी जितना उसको वीआरएस का कंपनसेशन मिला उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा। कितने एग्जेम्प्ट कीजिएगा यहाँ पर भी हमारे पास लिमिट्स हैं। फर्स्ट है एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड मतलब एक्चुअल रिटायरमेंट की जो पैसे वीआरएस के पैसे मिले हैं एक्चुअल वीआरएस रिसीव्ड। सेकेंड 5 लाख रुपीज सेम लिमिट रहेगी 5 लाख यहाँ पर भी 5 लाख रुपीज है। थर्ड है 3 into salary सैलरी का मतलब यहाँ पर होता है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी ठीक है 3 into salary इंटू ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही लेना है यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं करना है। और एक और लिमिट है सैलरी इंटू नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग फॉर द सर्विस। नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग फॉर द सर्विस का मतलब ये होता है अगर उसने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया फॉर एग्जाम्पल उसके यहाँ पर जो नॉर्मल रिटायरमेंट एज थी वो 60 ईयर्स थी बट उसने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया फॉर एग्जाम्पल 53 ईयर्स की एज ठीक है तो कितना साल पहले ले लिया 7 ईयर्स की उसकी अभी जॉब रहती थी तो 7 ईयर्स की अभी उसके नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट थे इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 7 into 12 कर लीजिएगा आपका आ जाएगा 84 मंथ्स। तो 84 मंथ्स क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग फॉर द सर्विस और इंटू सैलरी कितनी लेनी है यहाँ पर सिर्फ 1 महीने की सैलरी तो ये एक पूरे साल की सैलरी नहीं है ठीक है 1 महीने की सैलरी इंटू नंबर ऑफ मंथ्स और उस सैलरी में क्या लेना है आपको रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट और फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर राइट। सो दो चीज और होती हैं रिट्रेंचमेंट और वीआरएस ऑल दो बहुत कम पूछा जाता है इनके बारे में बट फिर भी एक बार आपको ये आनी चाहिए। सेक्शन 17(3) होता है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी ठीक है काफी ईजी होता है ये जैसे कि हमने अभी किया रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के अगर आपको पैसे मिल जाते हैं या वीआरएस के पैसे मिल जाते हैं तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एक्चुअली क्या होती है फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉई को ले ऑफ किया जा रहा है ठीक है हो सकता है ओवर स्टाफिंग हो गई थी या फिर वो कंपनी बंद हो रही है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं ठीक है ऑल दो एम्प्लॉयर यहाँ पर बाउंड नहीं होता फिर भी वो आपको पैसे देता है या वीआरएस के आपको पैसे देता है तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। अगेन प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी भी सैलरी की पार्ट होती है। जो आपको ग्रेच्युटी मिलता है या कम्युनिटी पेंशन मिलती है प्रोविडेंट फंड मिलता है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा। की मैन का मतलब होता है अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा इंप्लॉय है जो काफी इंपॉर्टेंट है उसका की रोल है वहां पर ठीक है उस अगर वो नहीं रहेगा तो हमारे प्रॉफिट्स हैम्पर हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है कंपनी उसके ऊपर की मैन इंश्योरेंस ले लेती है। की मैन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन मेजर पर्सन। तो हमने उसके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली कि अगर उसको कुछ हो जाए तो हमारे प्रॉफिट लॉस ना हमारा प्रॉफिट का नुकसान ना हो ठीक है हमारे प्रॉफिट का नुकसान ना हो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट ना हो राइट समझते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल उस एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे मिलते हैं वो किसके होते हैं वो इंप्लॉयर के होते हैं वो पैसे इंप्लॉयर के होते हैं क्योंकि इसकी प्रीमियम भी इंप्लॉयर पे कर रहा था। इंप्लॉयर ये पैसे अपने पास रख सकता है। जब ये इंप्लॉयर ये पैसे अपने पास रखता है तो उसकी पीजीबीपी की इनकम होती है ये हम पीजीबीपी के चैप्टर में पढ़ेंगे राइट। बट कभी कभी फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ये कहता है नहीं यार ये पैसे मैं नहीं रख रहा ये पैसे मैं इंप्लॉय को दे देता हूँ तो अगर ये पैसे वो अपने इंप्लॉय को दे देता है तो इंप्लॉय की इनकम होती है अंडर द हेड सैलरी बिकॉज ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी से किसको मिले इंप्लॉयर को इंप्लॉयर इसको अपने इंप्लॉय को दे रहा है तो इसका मतलब इंप्लॉयर अपनी विश से इसको इंप्लॉय को जब देता है तो उसकी इंप्लॉय की सैलरी इनकम होती है एंड दैट इज अगेन टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। थर्ड बात हम लोग की मैन पढ़ते हैं अपने IFOS के चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल इंप्लॉय की डेथ हो गई ये इंप्लॉयर को पैसे मिले इंश्योरेंस कंपनी से ठीक है अगर इंप्लॉयर को पैसे मिले तो पीजीबीपी बट वो कहता है कि नहीं मैं ये पैसे अपने पास नहीं रख रहा ये पैसे मैं उसके फैमिली मेंबर्स को दे देता हूँ तो अगर वो किसी अदर पर्सन को दिए जाते हैं तो वो IFOS की इनकम राइट। तो की मैन हम 3 जगह पर पढ़ते हैं अगर ये पैसे इंप्लॉय को मिले तो वो उसकी सैलरी इनकम होगी ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड बिफोर टेकिंग अप द एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी क्या होता है इंप्लॉय को ज्वाइनिंग बोनस दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई है जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं और हमें पता चला कि वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल एम्प्लॉई है वो कहता है नहीं मैं आपकी कंपनी में नहीं आ रहा मेरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है मैं वहाँ पर मेरा अच्छा चल रहा है मैं नहीं आ रहा बट हम उसको लाने के लिए अपनी कंपनी में लाने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट दे देते हैं। लेट्स से हमने उसको बोला कि हम आपको 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं एज अ ज्वाइनिंग बोनस आप हमारे यहाँ पर आके काम कीजिए
तो लेट से वो एक्सेप्ट कर लेता है, पर उसको जो 5 लाख एक्स्ट्रा मिले तो वो कैसी इनकम होगी? प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, अगेन टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, राइट। तो ये सारी चीजें होती है प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी। लास्ट पार्ट आता है सैलरी में रिलीफ अंडर सेक्शन 89। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 तब मिलता है आपको, फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पिछले 3-4 साल का एरियर के पैसे इस साल मिल गए, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं जो किसी और ईयर से रिलेट होते थे, बट वो पहले कभी टैक्सेबल हुए नहीं थे, वो कभी पहले टैक्सेबल हुए नहीं थे। ऐसा अक्सर होता है एरियर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से डीए बढ़ा दिया जाता है या कोई और अलाउंस बढ़ा दिया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जो पहले कभी टैक्सेबल हुआ नहीं था क्योंकि वो पहले कभी ड्यू हुआ नहीं था, पता ही नहीं था कि वो पैसा हमें कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। हमें पता ही नहीं था कि वो हमारा डीए बढ़ा भी दिया जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल इस साल हमारा एम्प्लॉयर ये कहता है कि हम आपको डीए आपकी बेसिक सैलरी को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो आपको पुराना एरियर भी इस साल मिल जाता है आपको, तो अच्छी बात है, आप खुश हो जाते हैं कि पुराना एरियर मिल रहा है पुराने साल से रिलेटेड जो आपको पता भी नहीं था, ठीक है। तो अगेन इट्स अ सैलरी इनकम, एरियर्स ऑफ सैलरी हो गया या एडवांस ऑफ सैलरी हो गया। बट उसके चलते कभी कभी एम्प्लॉय को फायदा तो हुआ, उसको पुराना एरियर मिल गया, बट वो कहता है कि यार फायदा तो हुआ बट इसके चलते ना मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ गया। अगर ये पैसे मुझे उसी साल मिल जाते जिस साल को ये बिलोंग करता है तो मेरा टैक्स कम जाता। तो अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसको ये एरियर मिला इस साल और उसके चलते उसको ज़्यादा टैक्स आ रहा है, ठीक है, अगर वो उसको उसी साल मिल जाते हैं जिस साल वो एरियर रिलेट करता है उस साल उसका कम टैक्स आता, तो अगर उसको ये ऐसा बेनिफिट अगर उसको मिलना चाहिए तो हम उसको रिलीफ देते हैं अंडर सेक्शन 89 का। तो रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी होता है इसको कैलकुलेट करना। सबसे पहले स्टेप वन में पहले अभी करंट ईयर की इनकम टैक्स कंप्यूट करिए। सबसे पहले करंट ईयर का इनकम टैक्स इंक्लूड कर आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर की जितनी भी इनकम है और जितना भी एरियर आएगा उसको इंक्लूड करने के बाद टैक्स निकाल दीजिए, मतलब सब कुछ इंक्लूड करके करंट ईयर का टैक्स निकाल दीजिए। स्टेप टू में उस एरियर को हटाने के बाद टैक्स निकालिए, करंट ईयर का जो टैक्स रेट है वो लगाइए बस वो एरियर को हटाकर, ठीक है। स्टेप टू में एक्सक्लूड कर दीजिए उस एरियर को, स्टेप वन माइनस स्टेप टू कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि उस एरियर के ऊपर इस साल कितना टैक्स आ रहा है, राइट। तो स्टेप थ्री में डिफरेंस कर दीजिए 1-2 करके, तो कुल मिलाकर आपको पता चलेगा कि इस साल उस सिर्फ एरियर के ऊपर कितना टैक्स आ रहा है। अब ये सेम स्टेप को दोबारा रिपीट कीजिएगा 4, 5, 6 में, बट यहां पर आप करंट ईयर से मत कीजिएगा, वो देखिएगा कि अगर ये पैसा मेरा को उस ईयर जिस साल को ये रिलेट करता है अगर उस साल मिलते हैं तो कितना टैक्स आता। तो अब स्टेप फोर में उस साल की इनकम टैक्स को रिकम्प्यूट करिए, जितने भी उस साल की इनकम है प्लस वो एरियर जिसको उस साल को रिलेट करता है वो भी इंक्लूड करने के बाद कंप्यूट कीजिए। स्टेप फाइव में उस एरियर को हटाकर कंप्यूट कीजिए उसी ईयर से रिलेटेड, 4-5 कर दीजिए, तो आप पता चलेगा कि आपको इस एरियर के ऊपर कितना टैक्स बनता अगर ये लास्ट ईयर मिलता। तो आपके पास अल्टीमेटली स्टेप थ्री आएगा और स्टेप सिक्स आएगा। स्टेप थ्री में क्या होगा, इस एरियर के ऊपर इस साल कितना टैक्स बन रहा है, स्टेप सिक्स आएगा इस एरियर के ऊपर उस साल कितना टैक्स होता। तो फॉर एग्जाम्पल इस एरियर के ऊपर यहाँ पे टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपीज, और अगर ये एरियर उस साल मिलता तो इसके ऊपर जो टैक्स होता वो होता 80,000 रुपीज, तो यहाँ पर हम आपको रिलीफ दे देंगे कितना, 1 लाख - 80,000 20,000 का रिलीफ दे देंगे, राइट। अगर यहाँ पर 70,000 आता तो आपको 30,000 का रिलीफ मिल जाता। बट कभी कभी क्या होता, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी जो आता जो टैक्स आया उस एरियर के ऊपर वो भी 1 लाख आया, यहाँ पर भी जो टैक्स आ रहा है वो भी 1 लाख आ रहा है, तो इसका मतलब अगर ये पहले भी मिलता तो आपको सेम टैक्स लगता, तो उस केस में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर आपका जो टैक्स बन रहा है स्टेप थ्री में 1 लाख बन रहा है करंट ईयर में, अगर ये किसी और ईयर में मिलता तो आपको 1,10,000 का टैक्स देना पड़ता, यहाँ तो आपको उल्टा फायदा हो गया। तो क्या गवर्नमेंट आपसे 10,000 रुपए का टैक्स वापस मांगेगी? नहीं। उस केस में फिर आप कुछ कोई रिलीफ नहीं ले सकते, यानी कि ये रिलीफ तभी लेना है जब असेसी को बेनिफिट हो रहा हो, अगर असेसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा है तब ये रिलीफ नहीं दिया जाएगा, राइट। सो इफ देयर इज नो एक्सेस देन नो रिलीफ इज अलाउड, राइट। सो दिस वॉज अबाउट योर सैलरी चैप्टर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा हमारा सैलरी में, बट आई बिलीव आपके कंसेप्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए होंगे। ये जो हमारा एम था कि हम ये सारी चीजें को टच कर पाएं, ये सारी चीजें देख पाएं, तो आई बिलीव आपको सैलरी में काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं हर क्लास में ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहिए, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहिए, स्पेसिफिकली लास्ट ईयर के पेपर्स, एटलीस्ट कम से कम पिछले 5 ईयर्स के पेपर्स, ठीक है, 5 ईयर्स के पेपर्स, पिछले कम से कम 5 RTPs, 5 लगभग 5 से 6 MTPs, इतने आपको करने चाहिए हमेशा।
ठीक है, बाकी दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट मेनली आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। और दूसरा, अगर इससे भी पहले जो एक इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके स्टडी मटेरियल में, वो जरूर करिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका क्वेश्चन बैंक भी आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे कि आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाए। तो कुछ दिन के अंदर मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी शेयर कर दूंगा, सेम वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं मुझे कुछ चैप्टर्स में, इसीलिए वो अभी एक दो दिन में अभी अवेलेबल नहीं है, बट हाँ विद इन अ वीक वो आपको वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर वो सारी चीज़ें जो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, वो सारी चीज़ें आपको उसी क्वेश्चन बैंक के अंदर भी मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, और नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हाउस प्रॉपर्टी। बाय।